Sudhiram Dasya Jnana Arjana Salakaya Chaksur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istavalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaya Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhaktavrinda Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Ashtotar Satasri, Sri Sri Mad Bhakti Sridhar, Siddhanti Goswami Maharaj Vicharana Kamalamit, Anantakoti Sashtanga Dandavat Pranakarta, Tatpashat Varisikha Gurupad Padma, Nitrila Pravishnam Vishnu Pad, Ashtotar Satasri, Sri Sri Mad Bhakti Vedanta Srila, Narayan Goswami Maharaj Vicharana Sarajayat. Isli Hamlo Biraha Mahot Salkhet. क्या कहते हैं जब कोई व्यक्ति इसी जगत में मरता है हम उसको कहते मरना कहते हैं लेकिन हमारी भक्ति जगत में ये मरने का कोई शब्द है ही नहीं क्योंकि ये जो महापुरुष वो कहां से आते हैं बल्कि गोलोक वृंदावन से राधा कृष्ण का आदेश महाप्रभु का आदेश को लेकर के ये भक्त लोग जगत में आते हैं और आ करके जब उनकी काम खत्म हो जाता है फिर क्या करते हैं फिर ये जगत छोड़ करके फिर वो अपना प्रभु के पास में चले जाते हैं इसलिए मरना शब्द ये जगत का जड़ व्यक्तियों के लिए लेकिन भक्तों के लिए संतों के लिए मरना शब्द नहीं है हम उसको विरह महोत्सव मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है हम दुखी होते हैं लेकिन इसमें महोत्सव शब्द प्रयोग किया मतलब छोटा उत्सव नहीं बहुत बड़ा उत्सव शब्द प्रयोग करते बल्कि क्यों मतलब कारण है जब भगवान का आदेश को प्राप्त करके जगत में कोई आए और अनंत जीवों को जो संसार में बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं जब इनको भगवान की भक्ति में लगा करके फिर वो अपना वापस जाते हैं गोलोक वृंदावन में बहुत बड़ी उत्सव होता है वहां पर राधा कृष्ण महाप्रभु उनको स्वागत करते हैं एक सखी और एक मंजरी इस जगत में गए और अनंत जीवों को उन्होंने प्रभु के भजन में लगा करके फिर अपना स्थान पर आ गए इसलिए यहां पर तो हम देखते हैं इन्होंने शरीर छोड़ दिया लेकिन वहां पर क्या होता है गोलोक वृंदावन में वहां पर बहुत बड़े उत्सव होता है महोत्सव होता है इतने सारे व्यक्तियों को प्रभु के भजन में लगा करके वापस आए इसलिए आज हमारी गौड़ीय मठ के जब मूल प्रतिष्ठाता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आज विरह महोत्सव है कहते ये जो महापुरुष है कहते ये है कौन बल्कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कहते राधा रानी की नयन मणि मंजरी नयन मतलब होता है आगे मणि मतलब आंखों के अंदर में जो पुतला होता है इसको मणि कहते हैं मानो राधा रानी की आंख की जो पुतला है ना ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है इसलिए जब ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में नियुक्त थे राधा रानी इस जगत का दुख कष्टों को देख करके हैं जीवों का दुख कष्टों को देख करके राधा रानी कौन है ये जगत की माँ है माँ कभी बच्चों का कष्ट देख नहीं सकती बच्चे अगर सुखी रहे ना पिता माता सुखी रहते हैं बच्चे अगर दुखी हो पिता माता सुखी होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं इसलिए कहते राधा रानी की
आदेश को पा करके इन्होंने इसी जगत में आए और आ करके उन्होंने हमें कैसे वहाँ ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने जगत में ये भक्ति को जगत में प्रचार किया है। इसलिए ये महापुरुष इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते है ना तो ये पृथ्वी अभी तक नहीं रहता। आपको पता होगा हर देश में एटम बम बना करके रखे हैं, थोड़ी सी कुछ इधर उधर हो ना, इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ गया केवल 10-20% लोग ही बाकी रह जाए, और इतने एटम बम बना करके रखा हुआ है कि आधा आधा नहीं केवल 25% अगर प्रयोग कर दिया ना विश्व नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बना ये बना के रखे हुए, लेकिन ये जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तक बचे हुए क्यों, ये एटम बम क्यों नहीं फैल रहे, ये महापुरुष की वजह से। कभी अगर महापुरुष नहीं आते पृथ्वी में, अगर कोई संपूर्ण रूप में पृथ्वी में हमारी सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को अगर कोई प्रचार किया, यही महापुरुष है, है? जो अंग्रेजी लोगों को देखो छोटी तिलक कंठी माला पहन कर भजन कर रहे, अभी जो थोड़ी बहुत हमको तिलक लगाते हुए कंठी में माला दिख रहे ना, थोड़ी जगत में भक्ति दिख रहे हैं, ये महापुरुष का वजह से दिख रहा है। क्योंकि महापुरुष नहीं आते, अगर भक्ति प्रचार नहीं करते सब तो लोग नास्तिक बन जाते। भगवान ये दुनिया क्यों बनाए, क्या खा पी करके गधे सुअर जैसे बचे जन्म के मर जाओ, नहीं, भगवान इसलिए ये जगत को बनाए। भागवत ने बताए जिस समय भगवान ये पृथ्वी को उधार किया वराह अवतार में, उसी समय में ये पृथ्वी देवी भगवान से प्रार्थना करती, बोले प्रभु आप तो मेरे को स्थापन किया है, आप ही मेरे को उधार किए हैं, अभी मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप चाहते हो क्या? ठाकुर जी कहते हैं मैं एक चीज चाहता हूँ, ये जगत को इसलिए बनाया सृष्टि किया, सब जीव भगवान से विमुख होकर के दुख कष्ट पा रहे, ये जीव कैसे ये संसार से उधार होकर के अपना घर में वापस जाए, बैक टू गॉड है, मतलब अपना घर में कैसे वापस जाए, इसलिए ये पृथ्वी का हमने सृष्टि की। दक्षिणा एक ही है कि जगत के जितने जीव है सबके सब भगवान की भजन करे, भगवान की भक्ति करे, यही दक्षिणा है, हैं? इसलिए मैंने सृष्टि की। जैसे पिता माता बच्चों को जन्म दिया, अगर बच्चे उद्दंड हो गए, पिता माता की बात नहीं सुनते, आज्ञा पालना नहीं करते, वो पिता माता क्या सुखी रहेगा? वैसे पिता माता तभी सुखी रहेगा जब बच्चे पिता माता के चरण छुए, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा पालन करे, तभी ना। इसलिए जगत का पिता कौन है, कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम अमदेव। जगत का पिता प्रभु है, वो तभी प्रसन्न रहते हैं जब जीव भगवान के भजन करे। जिसने तुम्हें जीवन जान सब कुछ तुम्हें दुनिया दिया है, हम उसको ही कर, इसलिए सूरदास जी कहते ना जिनी तनु दही ताही विसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन उड़ी लखलतामी। ये सूरदास का पद है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया तुमने उसको ही भूल करके बैठ गए हो, और जिसने कुछ नहीं दिया ना उसको पीछे लगे हुए, उसको पीछे लगे हुए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे देखो हम जगत में जो काम करते हैं ना अपना लिए बहुत कम, दूसरे के लिए ज्यादा है। अपना पत्नी को कैसे खुश रखे, बच्चों को कैसे खुश रखे, परिवार को कैसे खुश रखे, इसलिए कहते हैं ना आप सबको पूछो अभी सबके लिए तो कहते हैं, अभी कोई तुम्हारा फिर खुश है पूछ लो, पीछे चुगली बदनाम करते हैं तुम्हारी, हमें ये नहीं दिया ये नहीं दिया ये किया ये किया, भैया तुम्हारी जो चुगली करते हैं दुनिया में जब उसके लिए तो इतना कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं उनके लिए थोड़ी सी कर दो, सारा दुनिया हमारे लिए उसके लिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे अगर प्रभुपाद जगत में नहीं आते ना ये पृथ्वी अब ध्वंस हो जाता, क्यों? जब भगवान देखेंगे तुम कोई भक्ति नहीं कर रहे हो जिसलिए तुम ये जीवन दिया, अगर तुम जब काम के लिए दिया वो काम नहीं कर रहे हो, पिता माता को तुम मान नहीं रहे हो, तो पिता माता दुनिया को क्यों रखेंगे? वो जो आटा उनको रखा है ना ऐसे नहीं रखा, जब देखेंगे कोई भगवान की भक्ति भक्ति नहीं करते ना फिर लगेगी युद्ध पड़ेगा एटम बम सोचे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसलिए गुरु जी कहते थे इसलिए ये महापुरुष अगर नहीं आते ना कभी पृथ्वी में नहीं रहते, ये पृथ्वी खत्म हो जाती, इसी महापुरुष का वजह से ये दुनिया में थोड़ी बहुत भक्ति जगत में चल रहा है, भक्ति कर रहे हैं,
इसलिए ये जो महापुरुष है हम इनके चरण में सबके सब ऋणी हैं, इनके चरण में सबके सब ऋणी हैं। कंठी तुलसी महा जो दिख रहा है ना, थोड़ी भक्ति ये महापुरुष का वजह से हो रही है। क्यों? ये कौन है? कहते राधा रानी के नयन मणि मंजरी, राधा रानी की आंखें की पुतला है। राधा रानी कौन है? करुणा 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 भरते राधा रानी, बड़ी दया राधा रानी, बड़ी कृपा। इसलिए उन्होंने जगत का माँ है, बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती है, इसलिए इनको भेजा जाओ, ये जीवों को भगवान की भक्ति के उपदेश दो और ये जीव भक्ति करे और हमारे पास में आ जाए। इसलिए आज ये महापुरुष का तिरोभाव तिथि है, हमारे बीच में कुछ भक्त लोग हैं, ये सबके साथ इनका क्या अवदान है, इन्होंने जगत में क्या क्या हमें दिया है, हम क्यों इनके चरण में ऋणी हैं, इस विषय पर यहाँ पर भक्त लोग थोड़ी थोड़ी इनके चरण में पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि मतलब वाणी पुष्पांजलि है, हैं? ये वाणी ही उनकी महिमा को गान करना है, यही एक एक फूल है और इनके चरण में एक एक फूल प्रदान करेंगे। अभी हमारे श्री अनुपम प्रभु जी इसी मठ में रहते हैं, ठाकुर जी की ये सेवा पूजा करते हैं और ये प्रभु जी एकदम बचपन में मंदिर में आए, छोटे उम्र में आए और ऐसे नहीं अच्छे लिखा पढ़ा गया है। क्या पढ़ रहा था तुमसे? क्या पढ़ रहा था बोलो? साइंस। कहाँ तो पढ़ा था? हाँ, प्लस टू तक साइंस लेकर पढ़ रहा था, लेकिन उसी समय जो भक्तों का संग मिला ना, हैं, हम कई कथा करने के लिए गए थे, पहले थोड़ी बहुत उनको रुचि थी, लेकिन जब कथा करने के लिए गई उन्होंने कथा सुने और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए, आ करके मंदिर में तन मन हर तरह से गुरु वैष्णव की सेवा करता है। अभी इसी मंदिर में प्रभु जी है, ये मंदिर के ठाकुर का सेवा पूजा मंदिर के देखभाल ये प्रभु जी करते हैं। ये थोड़ी सी अभी इनके बाद विषय पर थोड़ी सी वाणी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, चढ़ाई कर कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमारधतम गुरु पादपदम विष्णु पाद परम से प्रयोजन राष्ट्र तथा श्री शिव भक्ति जन शिव जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत कंपन करके उनकी आदि कृपा की याचना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद सभी के चरण कमल में वंदना करता हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर तिथि जहन जन्म तिथि जहन पवित्र सही मत वैष्णव तिथि चरित्र, कि जिस प्रकार भगवान के जन्म तिथि आता है रामनवमी जन्माष्टमी नरसिंह चतुर्दशी, जिस प्रकार ये तिथि जो है क्या है ना भक्ति पोषक करता है इस तिथि को, भक्त लोग इसलिए बड़े अनुराग पूर्वक निष्ठा पूर्वक स्थिति को पालन करते हैं, स्थिति का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है स्वयं ठाकुर जी के आविर्भाव का तिथि है, इसमें क्या होता है ना भक्ति का पोषक होता है। और इसी प्रकार ही जिस प्रकार ठाकुर जी का तिथि पवित्र है उसी प्रकार वैष्णव का भी है, क्योंकि जो वैष्णव हैं वैष्णव के लिए अभी गुरु जी जैसे बोल रहे थे वैष्णव के लिए ही इस जगत में जितने सारे चीज बचा है वैष्णव के लिए बचा है। बोलते हैं साधारण जगत के जो जीव और एक वैष्णव, इन दोनों में आविर्भाव का साधारण जगत के जीव भी जन्म लेता है और वैष्णव भी आविर्भाव होते हैं, इन दोनों में क्या जो अंतर है कि जो साधारण जीव है अपने कर्म फल से आता है,
अपने कर्म फल से जन्म होता है, फिर कर्म करता है, फिर मर जाता है, फिर दूसरी बार उस कर्म करके उसे अनुरूप फिर जन्म मिलता है। परंतु जो वैष्णव है, विष्णु अनुचरतम आहु सुमाहु मनुष्यः न जन्म कर्म वैष्णव अनंत विद्यते, कि वैष्णव जो है उनको कोई कर्म का बंधन नहीं होता। साधारण जीव कर्म का बंधन हिसाब से आता है, जगत में आता है, और फिर जब कर्म खत्म हो जाता है फिर चले जाता है। परंतु जो वैष्णव होते हैं, विष्णु अनुचरतमा हो, भगवान के कोई निर्देश को पालन करने के लिए, कोई सेवा को सेवा कार्य संपादन करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार जिनके कृपा से हम सारे आज सारा विश्व जगत कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के नाम लेने और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जो सुअवसर प्राप्त हुआ, वो महापुरुष की आज अप्रकट तिथि है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके महिमा सूची का कीर्तन है, इसमें उनका जो अवदान है, क्या अवदान है बोल रहे हैं कि उसमें कि स्थाने स्थाने कतमठ स्तप्य निष्कपट जिव्य हरि सेवा सेवा सिखाए थे, कि प्रभुपाद जी ने 64 गौड़ी मठ स्थापन किया। 64 गौड़ी मठ स्थापन करके और सारे स्थान में क्या व्यवस्था रखा कि यहाँ पर जो भक्त लोग रहते हैं और जो जीव यहाँ पर आएंगे उनको क्या ना सारे प्रकार की भक्तिमय अनुकूल परिवेश मिलता है। प्रभुपाद जी ने इसलिए गौड़ी मठ का सारा नित्य नियम जैसे श्रृंखला बनाया, सुबह उठ के मंगल आरती, उसके बाद भजन, उसके बाद फिर कीर्तन, फिर पाठ, फिर प्रसाद, अर्थात ये जो सुबह से लेकर रात तक ये सारे क्या है भक्तिमय क्रिया है। इसके साथ जो जीव संलग्न रहता है धीरे 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 क्या होता है ना उसके जो चित्त विषय से हटकर धीरे 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 कृष्ण मुखता होता है। इसलिए ये जो दया है, एक होता है मंद दया, एक होता है अमंद दया। जैसे जगत में कोई हॉस्पिटल खोल दिए, कोई अनाथ बच्चों को खाना खिला दिया, उसके परवरिश किया, पालन पोषण किया, बोलते वो क्या है ना तात्कालिक है, कुछ खाने के लिए। आप कितने गरीबों को खिला सकते हो, आज खिला दो कल तो भूखा हो जाएगा। तो ये क्या है तात्कालिक है, क्षणिक है दया। परंतु वैष्णव लोग जो दया करते हैं उसको कहते हैं अमंद दया। ये कैसा दया है ना, जीव दुख क्यों पा रहा है, जीव इसलिए दुख पा रहा है कि क्योंकि भगवत विमुख होने के कारण, भगवत ठाकुर जी से विमुख होने के कारण ही जीव क्या हो रहा है दुख पा रहा है। इसलिए वैष्णव लोग बड़े करुण होते हैं। वैष्णव का जो 26 गुण है उसमें कृपालु एक गुण है, कृपालु अकृत दोहम सत्य सार सच सम, कि वैष्णव क्या होते हैं कृपालु होते हैं। वो जो कृपा करते हैं उसके बदले उनको चाहिए कुछ चाहिए नहीं। जगत में जो लोग बातें भी करते हैं उसमें स्वार्थ रहता है, परंतु जो वैष्णव जो कृपा करते हैं उनको केवल मात्र यही चिंता रहती है कि किस प्रकार सारे जगत के जीव कृष्ण भक्ति करें। क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उसके सारे दुख तभी मिटते हैं। कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण प्रेम के बिना ये जीवन असंपूर्ण है। आप चाहे जितने अच्छी नौकरी कर लो, जितने सारे अच्छी व्यवस्था बना लो, कृष्ण भक्ति के बिना जीवन असंपूर्ण ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी का ये दया है कि उन्होंने स्थान स्थान पर मठ स्थापन किया। और मठ क्या है, मठ ये जो है ये है हरि सेवा सदन, साक्षात वैकुंठ ही मठ है। इसलिए वैकुंठ में जिस प्रकार सारे कुछ वहाँ पर पार्षद लोग मिलकर भगवत सेवा का एकमात्र उद्देश्य रहता है, यहाँ भी मठ प्रभुपाद जी ने इसी उद्देश्य से स्थापन किया 64 मठ, कि मठ खोले वहाँ पर वैष्णव लोग रहें, वैष्णव कथा कीर्तन करें, ठाकुर जी का सेवा पूजा आराधना करें, और जो आसपास में जो जीव हैं जिनके पास दूर दूर तक हरि संबंध है ही नहीं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की व्यवस्था किया कि जगत जीवों को सुअवसर मिले, सौभाग्य मिले यहाँ पर आकर कथा कीर्तन कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि लाख लाख हॉस्पिटल खोलने से हाँ जो पुण्य मिलेगा इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि लाख लाख हॉस्पिटल खोलने से जो पुण्य मिलेगा, एक व्यक्ति को अगर, एक बद्ध जीव को अगर कोई भजन में, हरि भजन में लगा दे तो उससे अनंत करोड़ पुण्य मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी जब हम सुनेंगे उनके जो बचपन का बाल्यकाल सुनेंगे, बड़े सुमेधावी थे, बचपन से ही संस्कृत का विद्या कम उम्र में उन्होंने ग्रहण कर लिया था और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तब जब संस्कृत कॉलेज में इनका अध्यापन जब पढ़ रहे थे, जब समाप्त हो गया, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है इनको बोले कि आप जो है आपका
आप बड़े मेधावी हो, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप क्या करो, यहीं पर अध्यापन कार्य करो। प्रभुपाद जी ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि ये जो विद्या है ये जगत के, ये अध्यापन करने के लिए नहीं, ये जड़ विद्या के लिए नहीं, ये क्या ना, ये मेरा जो जीवन है हरि सेवा के लिए है। इसलिए जो बुद्धि है, जो बल है, जो सारे गुण है, ये सब केवल मात्र हरि सेवा के लिए उद्दिष्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये कहकर, नहीं तो वहाँ पर अध्यापन कराते, संस्कृत पढ़ाते तो क्या हो जाता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मेरा जो मेरा जीवन है ये अध्यापन कराने के लिए नहीं, मेरा जीवन है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारा जीवन बड़े खुद भी आचार पूर्वक, उन्होंने सत्यकोटि नाम संख्या का नियम लिया, व्रत लिया और उसको पालन किए। दिन में एक बार भोजन करके चतुर्मास व्रत में चतुर्मास का कठोर व्रत पालन किया, इस प्रकार भजन किया। तो प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको, प्रभुपाद जी को कहा, कहे थे कि आप जो है अंतिम समय की नवद्वीप धाम परिक्रमा शुरू करना, और बहुत सारे उपदेश दिए थे। तो प्रभुपाद जी चिंतित थे, मैं कैसे इतने सारे कार्य करूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई लोक बल है, ना कोई धन बल है, कुछ तो है नहीं, कैसे करूँ। तब जब इनका सत्यकोटि नाम संख्या पूर्ण हुआ, तब साक्षात महाप्रभु जी उनके सम्मुख प्रकट हुए, बोले तुम इतना चिंता नहीं करो, तुम प्रचार कार्य शुरू करो, मैं तुम्हें सारा कुछ धीरे 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 सारा कुछ दूंगा। तब प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया, कितने कितने बड़े बड़े विद्वान भी उनके पास आए, बड़े बड़े अच्छे पोजिशन में जो ऑफिसर्स थे उनके बाद में आकर प्रभुपाद जी के अनुगत्य हुए। और उन्होंने सारे, जैसे भक्ति प्रदीप तीर्थंकर महाराज जी रेलवे में अच्छे ऑफिसर थे, और बड़े बड़े ऑफिसर फिर धीरे धीरे आकर प्रभुपाद जी के साथ थे, प्रभुपाद जी का अनुगत होकर खुद भी भजन किया और सारे जगत जीवों को भजन मिले। तो ये सबसे बड़ा अनुदान जगत के लिए ही है कि भक्ति में लगाना, भगवान भजन कराना, इसके बिना जीव के हृदय में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि सब समय हमें क्या करना चाहिए, जीव का तभी सब दुख नाश होगा जब तीन काम करेगा, क्या न, कृष्ण सेवा और कृष्ण नाम की सेवा और कृष्ण धाम की सेवा। बोलते कृष्ण नाम सेवा करने से जीव अपने अनंत जन्म के जो संस्कार है उसके हाथ से उसको मुक्ति मिलता है, और कृष्ण धाम की सेवा करने से जीव का जो भगवान के प्रति जैसे जैसे निराकार ब्रह्म, ये सारे धारणाएं कटेंगे कृष्ण धाम की सेवा करने से। और कृष्ण सेवा करने से क्या ना, जीव का जो अपना जो काम के जो जीव का जो कामना वासना है वो सारे कामना वासना खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी सब समय कहते हैं कि निरंतर क्या करो ना, सारे सत्य सत्य लांछना गंजना सुनकर भी हरि भजन का कभी त्याग न करो। जहाँ पर हरि भजन करते हो वहाँ पर लाख लाख विपद आएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे, परंतु बाद में क्या होगा, वही प्रतिकूलता भी तुम्हारा अगर निष्ठा रहा, अगर तुम अगर निष्ठापूर्वक कर रहे हो तो वही प्रतिकूल भी बाद में अनुकूलता हो जाएगा। इसलिए जैसे भी हो, सत्य सत्य लाख मुसीबत आए, विपद आए, आपद आए, सारे स्वजन निंदा करें, फिर भी हरि भजन नहीं छोड़ना, निरंतर हरिनाम करना, निरंतर कृष्ण सेवा करना। इतना कहकर उनके तिथि में प्रयास कर रहा हूँ। आ देखो, जब प्रभुपाद इनके जीवन में एक आश्चर्य घटना घटी, जानते हो, जिस समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, रात को छोड़े, वो मंदिर में जितने घड़ी थी ना, मंदिर में जितने घड़ी थी, जब उन्होंने शरीर छोड़े, अपने आप सारे घड़ी उसी समय बंद हो गए, सारे घड़ी बंद हो गई थी उस समय में। सब लोग जब देखा, भैया बड़ा आश्चर्य जोर कर, इसलिए देखा उन्होंने, भैया इस समय सारी घड़ी कैसे बंद हो गई। सबको फिर पता चला इसी समय में ये महापुरुष ने अपना शरीर छोड़ा है, इसलिए सारी घड़ी उसी समय बंद हो गई। एक आश्चर्य, एक अद्भुत घटना इनके जीवन में घटी है महापुरुष की। बोले श्रीला प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। खड़े करो, बोलो माइक जरूर दे। ये हरे कृष्णा।
ये बच्चा जीवन में पहला बार अभी कोशिश करेगा कुछ बोलने के लिए, कभी उसने अभी तक तो मंदिर में कभी कभी आ करके पढ़ाई जब करता था मंदिर में कभी कभी कुछ रुकता था, लेकिन अभी इतना भक्तों का इस बार में सुना ही नहीं, तभी एक दो बात उसने सुनी कोशिश करेगा उनको विषय कर। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरितरसनोनाम गणना कृतग्रंथीश्रेणी सुभगकटिसूत्रोज्ज्वलकरः विशालाक्षौ दीर्घार्य गलयुगलखेलाञ्चितभुजौ स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव पूज्यपाद श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात परमाराध्य परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य श्रीला प्रभुपाद जी के चरणारविंदों में बार 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 प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों, आप सभी उपस्थित यहाँ पर जो अपना कल्याण करने के लिए अहर्निश भगवान के दिव्य सानिध्य में पहुंचे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग एक महापुरुष के तिरुभाव तिथि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्य है वैष्णव परंपरा जहाँ पर विरह भाव भी उत्सव बन जाता है। देखिए, ये शिला जो प्रभुपाद जो श्री प्रभुपाद जी थे, ये श्री राधा रानी की नयनमणि मंजरी थी और नयनमणि मंजरी श्री गोलोक धाम में नित्य निवृत्त सेवा निकुंज में श्री राधा रानी की नयनमणि मंजरी है, यानी गुरुदेव के अनुसार ये श्री राधा रानी की आंखों की पुतली है। जब श्री जी ने देखा, श्री राधा रानी ने देखा कि जीव आहत अपि तापित, इस संसार के दुख से बड़े तापित हो रहे हैं, जब उनको श्री जी ने यह देखा, क्योंकि श्री जी करुणामयी हैं, तो जब उन्होंने देखा कि यह संसार जो है ये त्रिताप से ग्रसित है, तो उन्होंने अपनी श्री नयनमणि मंजरी श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि आप जाइए और जीवों का एकमात्र कल्याणकारी जो साधन है श्री भगवान का भजन, आप उसका आदेश और उसके समस्त नियमों को जगत में प्रचार कीजिए, क्योंकि श्री राधा रानी जो है वे करुणामयी है। संत कहते हैं ना, श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नई। श्री जी करुणामयी जीव के दुख को देख द्रवित जो भई, इनकी सुधी लोरी सखी ऐसी प्रेरणा दई। श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नहीं। श्री जी करुणामयी, श्री जी ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर के ये जो जीव त्रिताप से ग्रसित हो रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं, आप उनको जाकर के भजन का उपदेश करो। तब जाकर के श्रीला प्रभुपाद जी आए हैं। देखिए, प्रभुपाद जी के विशेष 108 उपदेश हैं। उसमें से एक बार श्री प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी से प्रश्न किया साधक ने कि शरणागत जो है, शरणागत के लक्षण क्या है। देखिए, भगवत गीता जो है उसका सार क्या है, भगवत गीता का जो सार है, निष्कर्ष है, जो भगवत गीता का परम उत्कृष्ट जो मंथन किया गया है, जो परम सार है, वो क्या है? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति ही श्री गीता जी का सार है। तो श्रीपाद श्री पूज्य प्रभुपाद जी से प्रश्न किया एक साधक ने कि आप ये बताइए भगवान कि शरणागत का लक्षण क्या है। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया है, शरणागत का लक्षण बताते हुए प्रभुपाद जी ने कहा है,
जो अपने कर्तृत्व अभिमान से, जो अपने कर्तृत्व अभिमान कि यह मैंने किया है, जो कर्ता का अभिमान छोड़ करके केवल और केवल श्री राधा रानी का को ही अपने पालक समझता है, श्री राधा रानी के चरणारविंदों में अपने जीवन को देता है कि केवल और केवल मैं राधा रानी का पाल्य हूँ, राधा रानी ही मुझको मेरा पालन करेगी, श्री कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे। देखो कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे पर आश्रित है तो उसको चिंता नहीं है अपना करने की, उसको यह भी चिंता नहीं है कि मेरा भरण पोषण कौन करेगा। ऐसे ही जब वैष्णव, जब जीव, जब साधक श्री जी पर पूरा आश्रित हो जाता है कि मेरे समस्त कार्य को सिद्ध केवल और केवल श्री जी ही करेंगे, श्री गोविंद ही करेंगे, यह साधक के मन में जब हो, वह शरणागत का स्वरूप लक्षण है। शरणागति, देखो शरणागति वैष्णव धर्म में, शरणागति भक्ति धर्म में, शरणागति आवश्यक है। देखिए वाल्मीकि रामायण जी का श्लोक है, सर्वदा दिगतस्य सत्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्या सर्व समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदी का प्रवाह इस दिशा में भी हो रहा है, उस दिशा में भी हो रहा है, इस दिशा में भी हो रहा है, चारों दिशा से नदी का प्रवाह हो रहा है काहे के लिए, समुद्र में मिल जाने के लिए। ऐसे ही भगवान के समस्त गुण जो हैं, भगवान की समस्त लीला है, भगवान का माधुर्य है, भगवान का वीर लीला है, भगवान का गौरव रस है, ये समस्त लीला काहे के लिए है, भगवान की शरण में जाने के लिए है, भगवान की शरण में जाने के लिए। अतः एव शरणागति परमा आवश्यक है। देखिए शरणागति भगवान, यदि जीव भगवान की शरण में चला जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो उसकी सब ठेकेदारी श्री भगवान की ही होती है। विभीषण जी के प्रसंग में जब हम लोग सुनते हैं, जब विभीषण जी आए शरण में श्री भगवान की, तो विभीषण आ रहे थे तो भगवान, तो राम जी के जितने भी निज परिकर हैं, हनुमान जी को छोड़ करके संभवतः सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं इत्यादि समस्त जब विभीषण के विपक्ष में बोले हैं, तब राम जी ने कहा नहीं नहीं, वो मेरी शरण में आया है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम् ममः। जो समस्त अपने गुण दोषों को छोड़ करके, हे नाथ मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही मेरे को अपनी शरण में लीजिए, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसा कहकर के जो प्रभु के चरणारविंदों में आश्रित हो जाता है, भगवान कहते हैं उसकी ठेकेदारी मैं लेता हूँ। जब सारे के सारे विपक्ष हो गए थे विभीषण जी के, तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, वो मेरी शरण में आया है और मैं उसे स्वीकार अवश्य करूंगा। तो एक संत का भाव है, विभीषण जी जब ऐसा हुआ कि सब विपक्ष में हो गए, तो सुग्रीव जी मन में सोचने लगे, ये राम जी ने मेरी बात मानी नहीं है, यदि मैं अपनी सारी सेना को अपनी तरफ कर लूं, यदि मैं इस सारी को हटा लूं, तो क्या राम जी जीत पाएंगे, तो क्या रावण से युद्ध कर पाएंगे। अब भगवान तो चिदचिद विशिष्टम एकम तत्त्वम, भगवान तो सब जानते ही है ना। भगवान ने कहा सुग्रीव जी, ये जो सारा वानर सेना का तमाशा खड़ा कर रखा है ना आपने, आप भले ही इसको ले जाओ, आप जानते हो मेरे पीछे कौन खड़ा है धनुष लेकर के, जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण निमिष, लक्ष्मण हनाई निमिष महते ते। मेरे पीछे देखो सावधान होकर के कौन खड़े हैं, स्वयं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, अरे मेरे को तो उठने की भी आवश्यकता नहीं है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, इस पूरी पृथ्वी में जितने असुर हैं एक ही बाण में लक्ष्मण जी उनका संहार करने में समर्थ हो रहे हैं। अतः यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे तमाशे जो वानर सेना के आपने इकट्ठे करे, ये ले जाओ, मैं अकेला मेरा भाई अकेला सक्षम है, लेकिन मेरी कोई शरण में आया है उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम् ममः। अतः
अतः एवं श्री प्रभुपाद जी का यह संदेश है। प्रभुपाद जी ने साधक को कहा है कि जो नित्य प्रति केवल और केवल भगवान को अपना पालक मानता है कि मैं केवल और केवल श्री जी और ठाकुर जी के अधीन हूँ और उनके अलावा मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। शरण्य रक्षण, यहाँ प्रतिपादक तत्व लग रहा है। जो भगवान है रक्षा स्वयं श्री भगवान करेंगे शरण में आए हुए की। एक श्री कृष्ण प्रेम डिवाइन हुए हैं हमारे कल्चरल एजुकेशन में, उन्होंने शरणागति पर ही लिखा है, द डिवाइन ग्रेस इंटरवीन्स ओनली व्हेन यू एट द एंड ऑफ योर टेटर आफ्टर ऑल योर माइटी एफर्ट्स फॉर देन फीलिंग लॉस्ट इफ यू परसीव एनी इंपॉर्टेंस एंड डिसइंपॉर्टेंस अबाउट द क्लेरोसिटी एंड द वैल्यूएबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ गॉडहेड, then if you are just feeling unable to reach, then just pray in the shelter of Lord, then definitely you will feel happy and the light from the God definitely reach your heart and make you happy। अर्थात जब जीव के समस्त आश्रय खत्म हो जाते हैं और केवल एकमात्र गोविंद प्रभु ही उसके आश्रय होते हैं, तब वह आर्तभाव से श्री भगवान को पुकारता है और आर्तभाव से पुकारने पर भगवान उसकी आर्तभावना को स्वीकार करते हैं। तत्क्षण श्री भगवान की जो शक्तिकारी श्री भगवान की शक्ति है, जो परित्राणकारिणी शक्ति है, वो उस भक्त के पास पहुंचती है और उस भक्त का परित्राण होता है। अतः एव श्री प्रभुपाद जी ने शरणागत के लिए यह सब उपदेश किया है। ये मेरा प्रथम बार है कि मैं ऐसे महापुरुष के विषय में बोलने का सत्सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। इसका सारा श्रेय ये सारी वाणी श्रीमद् गुरुदेव की है। मैं इनके चरणारविंदों में धन्यवाद करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण को कमलों में अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। उन सबकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर हम सब पर कृपा करें। तत्पश्चात मनसा जी कुछ पद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि वो अपनी हेतु की कृपा हम सब पे बनाए रखें। और जगत गुरु शिला प्रभुपाद जिनके हजार तिरुभाव तिथि महोत्सव मना रहे हैं, उनके चरणों में मैं अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि वो अपनी हेतु की कृपा मुझ पर हम सब पे बनाए। और आज जिस उपलक्ष्य में हम हुए हैं उन्हें उनके गुण कीर्तन करने के लिए, उसमें हमें शक्ति दे कि उनका गुण कीर्तन हम कुछ कर पाएं और कुछ सुन पाएं, समझ पाएं और सबसे बड़ी चीज़ उसको कुछ धारण कर पाएं, तभी ही हम इस भक्ति पथ में आगे बढ़ पाएंगे। पूर्व जो वक्तागण हैं उन्होंने एक ही बात पे बहुत जोर दिया है, उसको एक प्रसंग से कहना चाहूँगा। एक बार एक हाथी मदमस्त हाथी जंगल में, ठीक है, शेर से भी नहीं डरता, इतना ताकतवर है, ठीक है, बड़ा मजे से घूम रहा। देखा एक हथिनी की तरफ, आकर्षित हुआ, उस हथिनी के पास चला गया, परिवार बनाया, बच्चे हो गए, अब झुंड में घूम रहा है, बड़े मजे से रह रहा है जंगल में। अचानक एक दिन नहाने के लिए कि चलो जंगल में घूम रहे, नहाने के लिए घुसा एक तालाब में और बड़ा मदमस्त है, बड़े मजे आ रहे हैं उसको, घुसता ही चला गया तालाब के अंदर। और आगे चल के तालाब में पानी ज्यादा नहीं था, असली में क्या था, वो तालाब कम दलदल ज्यादा थी। घुसता जा रहा है और बाद में जब उसको रियलाइज हुआ है, अनुभव हुआ है कि ये तालाब नहीं, ये तो दलदल है, मैं फंसता जा रहा हूँ, मैं धसता जा रहा हूँ, तो चिल्ला रहा है, चिंगाड़ रहा है, अपने बीवी की तरफ देख रहा, बच्चों की तरफ देख रहा, बाकी सारे झुंड की तरफ देख रहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पर क्या हो रहा है, उस हाथी भाई चला गया, घुस गया अब दलदल में, कैसे निकलेगा,
कोई निकालेगा तभी निकलेगा ना, पर बाकी बीवी बच्चे, उसके जो बीवी है बच्चे हैं और बाकी झुंड वाले, अरे भाई उधर नहीं जाएंगे, वो तो दलदल में फंस गया है, हम अपने प्राणों की रक्षा करें या इसके प्राणों की रक्षा करें, वहीं रुक गए। वो हाथी सोच रहा है ये क्या हो रहा है, इस झुंड के साथ पूरा जीवन बिताया, इस पत्नी इस बच्चों के लिए मैंने अपना जीवन दिया, हाँ इनको खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज देखो जब मैं संकट में आया हूं तो क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं मेरी तरफ, बस देख रहे हैं मेरी तरफ, मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। हाथी डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, पर अचानक अचानक कुछ कृपा हुई, कुछ कृपा हुई उसके हृदय में, कुछ स्फुरित हुआ जो अंतरात्मा में बैठे हैं परमात्मा, उन्होंने जरा सा उसको क्या दिया, इंस्पायर किया, और उसके मुख से प्रार्थना निकलेगी, हे प्रभु, हे दीनदयाल, आज कुछ समझ में आया मुझे, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये इनके सहारे में जीता रहा पूरी जीवन, ये तो कोई भी नहीं रहा आज, मुझे बचाओ। तो क्या हुआ, कौन है सबसे करुणामयी, अभी तक पूर्व कितना सुना हमने, श्रीमती राधिका, हमने देखा है राधा रानी के हाथ में क्या होता है, कमल। राधा रानी ने जैसे उस जीव की पुकार देखी, क्या किया, उस कमल को फेंक दिया, वो कमल सीधा आया उसकी सूंड में लगा, और वो कमल उस हाथी को खींच के बाहर ले गया। अब इस प्रसंग को समझेंगे, वो हाथी कोई और नहीं है, मैं ही हूं। कौन है, पड़ोसी नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। राधा रानी कृपा मई है, दयालु मई है, पर उनकी कृपा कब निकलेगी, जब तक वहां पे कुछ अर्जी पहुंचेगी ना। तो ऐसे ही जी प्रभुपाद जी, ये उनके हाथ का कमल, कमल कहने का उनके अंतरंग परिकर, एक एक परिकर को भेज रही है इस संसार में, जाओ इन जीवों को उठा के ले आओ, सेवा में लगाओ, किसकी, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। पर कैसे हो रहा है, प्रभुपाद जी कैसे आए, राधा रानी करुणामयी है, उनका हृदय फट गया देख के, जो त्रिताप में हम जल रहे हैं देख के हो रहा है, पर हुआ कैसे, उसके पीछे भी, उसके बीच में एक छोटा सा रहस्य है। क्या रहस्य है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर। कौन, शिला भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, परम वैष्णव, उन्हीं की ही करुणा शक्ति है राधा रानी की। जब उनका मतलब वैष्णव का हृदय जब पिघलता है तो समझना तब बाद में उधर ऊपर पिघलता है, पहले यहां किसका पिघलता है, इन वैष्णवों का हृदय पिघलता है, देख के कि ये जीव कितने कष्ट में है। तो क्या किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, क्या किया कि ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम कैसे संसार में फैले, भाई मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, एक सेनापति चाहिए। सेनापति क्या करता है भाई, राजा क्या अकेला युद्ध लड़ लेगा, राजा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा राज्य है, सब कुछ है, पैसा है, सब है, पर फिर भी सेना चाहिए, और सेना में कौन चाहिए, ऐसा सेनापति जो पूरे सैनिकों को तैयार करे। देखो कहां गए भक्ति विनोद ठाकुर जी, गए जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी के पास। ये विमला देवी कौन है, भगवान की शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान की शक्ति के पास गए कि ये कार्य शक्ति ही कर सकती है, उनके पास जाके प्रार्थना करी कि भाई किसी को भेजो इस जगत में, इस जगत में भेजो, ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो उनसे प्रार्थना करने पर कौन आए, श्रील प्रभुपाद। उनका नाम क्या रखा, विमला प्रसाद। ये प्रसाद किसका है, उन देवी का ही है, भगवान की शक्ति का ही प्रसाद है, और उसको प्रमाणित भी कर दिया। कैसे प्रमाणित किया, स्वयं जगन्नाथ भगवान ने, जगन्नाथ देव ने इस चीज को प्रमाणित किया। कैसे किया, कुछ ही, अभी देखना, अभी आगे बसंत पंचमी आएगी, और बसंत पंचमी के बाद जो पंचमी है वो शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। तो कुछ ही समय के बाद क्या हुई, रथ यात्रा हुई। तो जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, क्योंकि जो हम देखेंगे, अगर हम पुरी गए हैं जो, तो हम देखेंगे कि जो प्रभुपाद जी का घर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर है वो उसी बड़े दांडा पे है जहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, थोड़ी ही दूर है जगन्नाथ मंदिर से। तो जगन्नाथ देव जी रथ यात्रा के रथ पे बैठ के निकले हैं और आके उसी घर के सामने रुक गए हैं। कितने दिन तक रुक रहे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, अरे नहीं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए रुके हुए, तीन दिन के लोग हैं। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सोचा कि अरे जगन्नाथ देव जी दरवाजे पे हैं, तो चलो इस पुत्र को ले जाऊं, अन्नप्राशन करा देंगे। जैसे ही उनको रथ पे लेके गए तो उनका जो अमूल्य हार है वो जगन्नाथ देव जी का टूट के सीधा प्रभुपाद जी पे गिरा।
प्रभुपाद जी ने प्रमाणित कराया कि ये कोई अलग नहीं है। क्या करते हुए जा रहे हैं समझना, जगन्नाथ जी इस कवि कौन से भाव में है, इस विरह भाव में है कि मैं राधा रानी से मिलने जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं, वृंदावन जाने हैं ना रथ पे, किससे मिलने जा रहे हैं, राधा रानी। अरे निकुंज में घुसने से पहले किसकी आज्ञा लेते हैं वो ठाकुर जी, उनकी मंजरियों की। तो आज्ञा लेने के लिए वहां खड़े हुए हैं कि तुम अलाव करो तो भाई हम आगे बढ़े। उनसे आज्ञा लेके रथ बढ़ाया आगे, प्रमाणित किया जगन्नाथ देव जी ने भी कि ये कोई साधारण नहीं है। अब बात आती है फिर उस हाथी की, उस हाथी की तरह मुझे भी सेल्फिश होना पड़ेगा। आज हम तिथि मना रहे हैं, हम सालों साल ये तिथियां मनाते रहेंगे, इस तिथि से लेके क्या जाए भाई, चार पॉइंट याद करके जाए नहीं। हमें अपने हृदय में वो भाव उत्पन्न करना पड़ेगा कि ये जो महापुरुष आए हैं ना, ये जगत कल्याण के लिए नहीं आए। किसके लिए नहीं आए, कहेंगे अरे बताओ अभी तो महाराज जी भी कह रहे थे, पूर्व वक्ताओं ने तो यही कहा जगत कल्याण के लिए, ये जगत कल्याण के लिए नहीं आए, मेरे कल्याण के लिए आए। प्रभुपाद जी की वाणी सुनाता हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरों की तरफ मत देखो, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपनी तरफ देखो, मेरे अंदर कितना काम है, मेरे अंदर कितना क्रोध है, कितना लोभ है, मैं कितना कपटी हूं, मैं कितना पापी हूं। अरे दूसरे से तुम्हारे को क्या लेना देना, अपना भजन की तरफ ध्यान दो ना। तो वो किस लिए आए हैं, ये गुरुवर्गों को राधा रानी किसके लिए भेज रही है, अगर ये सोच लिया ना जगत कल्याण के लिए तो हल्के होके बैठ जाओगे। पर जिस दिन ये भाव आ गया कि मेरे लिए आए हैं, वो उनको वो भगवान का जगत छोड़ के समझना, वो जगत के बारे में हम कभी कभी सुनते हैं, समझ में तो नहीं आता पर कभी कभी सुनते हैं कि इतना सुंदर जगत है, वहां ठाकुर जी की राधा रानी की साक्षात सेवा वो कर रहे हैं, उन सबको छोड़ के मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं। और कैसे आए हैं यहाँ पे, कैसे उन्होंने आचरण करा है, कैसे भक्ति करके दिखाई है उन्होंने, उनको उस चीज की जरूरत नहीं है। समझना एक बात को, क्या प्रभुपाद जी को या गुरुदेव को, क्या उनको और राधा रानी के भावों को लेने की जरूरत है, क्या वो सेवा प्राप्त करने की जरूरत है, अरे उनको पहले ही मिली हुई है, वो यहाँ देने आए हैं, पर प्रोसेस भी तो दिखा रहे हैं, प्रोसेस भी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे उनका जो चलना उठना बैठना बोलना हर चीज एक शिक्षा है, हर चीज एक शिक्षा है उनकी। हमें उनके जीवन काल से अगर ये सोचेंगे अरे वो तो प्रभुपाद जी थे उन्होंने इसलिए तो किया क्योंकि वो तो प्रभुपाद जी है, तो हमने उनके करे कराए पे पानी फेर दिया। उन्होंने वो सारी जो उनका जो पूरा जीवन चरित्र है, जो उनका पूरा आचरण है, वो किसके लिए है, वो मेरे लिए है। पूरा जीवन उन्होंने जैसे व्यतीत किया वो किसके लिए था, वो मेरे लिए था। मुझे नहीं पता मेरे पड़ोसी के लिए है या किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। इस भाव को हमें आज इनके स्थिति पे अपने अंदर जगाना है। भगवान स्वयं कहते हैं अरे मुझे मेरी तिथि इतनी प्यारी नहीं है जितनी तिथियां मुझे अपने भक्तों की प्यारी है। मैं महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने खुद दिखाया कि कैसे हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि का उन्होंने महोत्सव बनाया, कितने आनंद से मनाया। इतने आनंद में तो उन्होंने जन्माष्टमी राधाष्टमी भी नहीं बनाई, जितने आनंद से वो क्या बना रहे हैं, एक वैष्णव तिथि बना रहे हैं। उस आनंद को उस ही चीज को मुझे अपने अंदर डालना है कि कितनी इंपॉर्टेंट तिथि है ये मेरे लिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट तिथि है मेरे लिए। और उनके जीवन चरित्र जैसे देखो क्या है, प्रभुपाद जी गुणार्णव है, गुणों का क्या है समुद्र। अगर कोशिश भी करेंगे ना कि उनके कुछ गुणों का करें तो एक एक गुण को भी व्याख्यान करने के लिए कई कई साल लग जाएंगे, एक एक गुण। पर फिर भी कोशिश प्रयास करते हुए जो सुना है वैष्णवों से गुरुवर्गों से, एक एक छोटी सी लीला हुई उनके जीवन में, देखो क्या करुणा है उनके हृदय में, किस चीज के लिए आए हैं वो, कैसे करुणा करने आए हैं। प्रचार कार्य पे चल रहे हैं, ठीक है, साथ में भक्त हैं, उनके सन्यासी शिष्य और ब्रह्मचारी शिष्य हैं, वो गांव से गांव जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, गाड़ी बैलगाड़ी से नहीं, पैदल जा रहे हैं। तो चलते चलते गए, कीर्तन चल रहा है आगे, प्रभुपाद जी चल रहे हैं, शिष्य चल रहे हैं, कुछ ब्रह्मचारी पीछे चल रहे हैं, पूरी वो टोली चल रही है। तो इतने में क्या हुआ कि जैसे एक बुढ़िया देखा, एक बुढ़िया थी छोटी सी झोपड़ी, उसने देखा अरे साधु लोग निकल रहे हैं,
वो घर गई झोपड़ी में भाग के, और जब तक वापस आई तब तक कीर्तन पार्टी और प्रभुपाद जी थोड़ा सा आगे निकल चुके थे और पीछे कुछ ब्रह्मचारी चल रहे थे, तो हाथ में कुछ नींबू मिर्ची लेकर आई और उनको देने लगी, तो ब्रह्मचारी कैसे मेरे जैसे, अरे बढ़िया तेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, रख ले हमें इसकी जरूरत नहीं, रखो तुम्हारे देख के हालत लग रही कुछ नहीं है, छोड़ दिया और चले गए आगे। किसी तरीके से कुछ मील चलने के बाद ये बात प्रभुपाद जी तक पहुंची, क्या कि पीछे कोई छोटी सी झोपड़ी थी उसमें एक बुढ़िया निकल के ये देखना चाहती थी, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया ब्रह्मचारी को बुलाया, पर ठीक है अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, बेचारी से क्यों लेते है ना, नहीं प्रभुपाद जी पैदल चल के वापस आए हैं उस बुढ़िया से बोले कि अम्मा माता तुम कुछ दे रही थी ठाकुर सेवा के लिए, वो दीना तो जरा लिया, उसको माथे से लगाया और अपने झोले में रख लिया, भिक्षा बैग में रख लिया और अपने शिष्य को शिक्षा दी, क्या दी, किसी तरीके से करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद एक जीव के हृदय में ठाकुर सेवा की जरा सी भावना उत्पन्न हुई और तुमने क्या किया, वही ठंडी कर दी। हम इसी चीज के लिए तो आए हैं कि किस तरीके से, प्रभुपाद जी देखना समझ रहा किस चीज के लिए आए हैं, कि वो हम सबके अंदर जरा सी भी अगर है उसको बढ़ाने आए हैं, उस भावना को, उस ठाकुर जी की सेवा की भावना को बढ़ाने के लिए आए हैं, उसी के लिए वो कह रहे हैं कि समझना, ये शिक्षा भी दे रहे हैं साथ साथ में कि कभी किसी को नीचा छोटा बड़ा ऐसे मत देखना। अरे कौन व्यक्ति कितने जन्मों के बाद उसके हृदय में जरा सा आ रहा है, अरे वो ऐसे करके आता है, वो वैसे करता है, वो वैसे करती है, उसके बस का ये नहीं, उसके बस की वो नहीं, अरे अब मेरे बस में क्या है, कभी ये देखा है मेरे बस में क्या है, ये कभी देखा है। एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानना, कितनी बार बोला कॉपी पेन लेकर आओ, पैसा लेकर ही नहीं आता, समझना ये बातें भूल जाओगे, हमें गुरु वैष्णव की कृपा होगी, बहुत साल हम महाराज जी गुरुदेव के संग में रहे, वैष्णव के संग में लिख लिख के मोबाइल तक में लिख लिख के हम सेव करके रखते हैं कि ये याद रहे, बुद्धि बहुत बेकार है मेरी कलयुगी जीव की, भूल जाते हैं, पर देखो ना क्या मैं अपने लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो दूसरों को देखना छोड़ दो, अपनी तरफ देखो, अपने अंदर झांको और प्रभुपाद जी पूरी गुरु परंपरा को अपने हृदय में बैठा लो, ये सोच के नहीं कि जगत कल्याण करने के लिए आए हैं, क्या सोच के, मेरे के लिए आए हैं, जब ये मेरापन आ जाएगा ना, जब ये मेरापन आ जाएगा ना, तब देखना धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, उनकी एक एक शिक्षाओं पे ना ऐसा लगेगा कि प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूं पर शिक्षा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये भाव अंदर से आ जाएगा, पर कब आएगा, जब वो क्या समझ में आएगा, ये किसके लिए आए, मेरे लिए, पूरा जीवन जो इतना कठोर जो भजन साधन करके दिखाया किसके लिए, मेरे लिए, ये मत सोचना ओए प्रभुपाद जी ऐसे कर रहे थे तू देख कैसे कर रहा है, वो देखो प्रभुपाद जी ऐसे करते थे हमारी गुरु परंपरा में, देखो ये महाराज कैसे कर रहे हैं, वो सन्यासी कैसे कर रहा है, वो ब्रह्मचारी कैसे कर रहा है, नहीं वो किसके लिए करके दिखाया, वो मेरे लिए, भूल जाओ गृहस्थ है ब्रह्मचारी है सन्यासी है, ऐसा कुछ नहीं है वैष्णव संप्रदाय में, क्या है मुख्य रूप से, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम चाहे ठाकुर जी को नकली घी भोग लगाओ चाहे असली घी भोग लगाओ, समझना, वो कह रहे हैं चाहे असली भोग लगाओ नकली भोग लगाओ, वो सब कुछ तो जड़िए, संसार में क्या है, जड़िए ही है, तो भाई किसी का सुंदर शरीर किसी का कुरूप शरीर, भाई सुंदर शरीर वाला झाड़ू लगा रहा है तो बड़ा अच्छा लगे, बताओ इतना सुंदर है और मठ में झाड़ू लगा रहा है, कोई कुरूप सा झाड़ू लगा रहा है, इसका काम तो झाड़ू लगाना ही है, ना कुरूप काम आएगा ना रूप काम आएगा, काम क्या आएगी, हृदय की भावना क्या है, प्रभुपाद जी कहते तुम्हारे हृदय में क्या भावना बैठी है, किस भावना से तुम वो सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की कैसे सेवा कर रहे हो, वो मायने रखती है, और मेन भावना क्या है, मैं मेरा भजन मेरे प्रभुपाद मेरे गुरुदेव, जब हम इस भावना से चलेंगे ना फिर कोई नहीं हमें पसंद आएगा, फिर माया देवी भी दूर देख के खड़ी हो जाएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों हम माया में पड़े हुए हैं पता है, क्यों माया बड़ी आसानी से हमें पकड़ लेती है, क्यों पकड़ लेती है, क्यों, क्योंकि अंदर के भाव हमारे सही नहीं चल रहे हैं, जैसे हमारे अंदर के भाव शुद्ध होते जाएंगे पक्के होते जाएंगे ये माया ढीली होती जाएगी। गौर प्रेमानंदे
अनिरुद्ध कहाँ गए? अनिरुद्ध प्रभु जी, अनिरुद्ध है क्या? कहाँ गया?
छोड़ी नहीं। एक दिन मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मृत्यु होने के बाद जब मुझे विष्णु दूत वैकुंठ धाम लेके जा रहे थे तो बीच में ही देववाणी हुई कि ये अभी मृत्यु लोग पार नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में अपने में एक वैष्णव अपराध किया था, जिसके अनुसार जब तक ये उस वैष्णव के चरणों में माफी नहीं मांगेंगे ये इस मर्द जगत को पार नहीं कर सकते। तो बोले, तो उनको लगा कि अब जो विष्णु दूत खड़े थे उनके आगे उन्होंने हाथ जोड़ा और बोले कि कृपा करके आप प्रार्थना करके मुझे बताएं कि जिन वैष्णव के चरणों में मेरा अपराध हुआ है वो इस समय कहाँ है। तो विष्णु दूत ने सुना कि ये तो उनके प्रति कृपा पात्र, उनके प्रति क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अभी इस समय नीलाचल देश में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां पे उन्होंने पता किया, फिर वो भक्ति विनोद ठाकुर के दूसरे पुत्र में, पुत्र के रूप में उन्होंने वहां पे जन्म लिया। उनके बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाध में जन्म लिया। तो बोले कि जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाध मुझे खुद आकर के क्षमा नहीं कर देते तब तक मेरा इस जन्म से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से कुछ निपटारा नहीं हो सकता। तो जब ये बात श्री भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर को पता चली तो बोले कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको आपके अपराध से क्षमा मिल गई और आप वैष्णव वैकुंठ धाम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोले कि ये आप स्वयं प्रमाणित हो जाएगा जब वो मुझे क्षमा कर देंगे। बोले कैसे? बोले जब वो मुझे क्षमा कर देंगे तो मेरे शरीर पे द्वादश अंग रामानु संप्रदाय के द्वादश तिलक अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे और मेरा शरीर जो है मैं शरीर छोड़ करके अपने नित्य धाम चला जाऊंगा। जब ये बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर को पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया जो उन दिनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो कॉलेज से जो उन्होंने बुलाया तो सारा वृत्तांत भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री प्रभुपाद जी को बताया। तो उनको कहा कि जाओ तुम जाकर के उनको क्षमा कर दो। अब ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे लिए आता है और मुझे पता चल जाए कि मेरे प्रति किसी का अपराध हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो नहीं कर रहा क्षमा। और मतलब एक गर्व सा महसूस हो जाएगा कि भाई साहब मेरे प्रति कोई क्षमा प्रार्थी है। तो मतलब मेरे वो एक अहंकार वाली भावना आ जाएगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरों की नहीं बता रहा, ये अपनी बता रहा हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को जब पता चला कि उनके बड़े भाई उनके प्रति क्या है, क्षमा प्रार्थी है, तो वो रोते रोते गए उनके चरणों में, उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले कि मैं आपका कनिष्ठ भ्राता हूं, आपका मेरे प्रति क्या अपराध हो सकता है? बोले यदि कोई, अगर किसी पूर्व जन्म में ऐसे कोई वर्णन, कोई वृतांत हुआ भी है तो मैं हाथ जोड़ करके अपने हृदय से आपको आपके सारे अपराध के लिए आज ही क्षमा कर देता हूं। ऐसा बोलते ही उनके जो शरीर में जो उन्होंने वर्णन किया था, रामानुज संप्रदाय के द्वादश तिलक अपने आप प्रकाशित हुए और वो हाथ बढ़ा करके उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण स्पर्श किए और उनको प्रणाम करके उन्होंने अपने नित्य गोलोक वृंदावन की तरफ बढ़े। तो हमारे परमेश्वर प्रभु एक बात बोलते हैं, बोलते कि इस जन्म में भक्ति ज्यादा हो या ना हो, मतलब इतना नहीं कह देने की एक ही जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये नहीं हो रहा, कोई चिंता नहीं है। बोले दिन में 16 माला नहीं हो रही, कोई चिंता नहीं, दो हो रही है बहुत है, पर क्या ना हो, वैष्णव अपराध ना हो। दिन की दो माला हो रही है और वैष्णव अपराध नहीं हो रहा है, बोले उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ जो 16 माला कर रहा है और दूसरे को देखकर बोल रहा है देखिए वो क्या कर रहा है, ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हमें नहीं पता, पता है वैष्णव लोग एक वैष्णव के जैसे गुण है, जैसे प्रभु जी ने बताया वैष्णव कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते, पर बोलिए वैष्णव बुरा नहीं मानते तो वैष्णव अपराध कैसे लगता है? बोले वैष्णव की जो चरण धूलि है, वैष्णव का आराध्य कौन है? बोले भगवान। बोले वैष्णव की चरण धूलि अपराध लेती है और वैष्णव जो आराध्य है कौन? बोले भगवान, वो उस बात का अपराध लेते हैं। इस बात को और वर्णन करेंगे तो अम्बरीश महाराज का जो चरित्र है, बोले कौन? दुर्वासा ऋषि तक को नहीं छोड़ा तो मुझ जैसी की क्या औकात है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से मेरे लिए तो सिर्फ इतना है कि ज्यादा भजन हो सके या ना हो सके मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस क्या हो किसी वैष्णव के चरण में इस जीवन में अपराध ना हो। वांछा करते हुए मुझे बता दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण देखो ये कितने छोटे छोटे बच्चे और कितने बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं, और देखने में छोटे लेकिन सब खोटे हैं सब। नहीं देखो सब बच्चे है ना, सब अच्छे लिखे पढ़े हैं। पहला वो बच्चा जो बच्चा वाला वो तो साइंस पढ़ रहा था प्लस टू में, उसको बाद में जो बोला वो कौन सा इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक सर, ये इंजीनियर ये लड़का, और वो जो बोला क्या टिकल हर एमबीए किया हुआ है लड़का, अभी अभी जो बच्चा बोल रहा था क्या बड़ा तुम बीकॉम कर रहा हूँ ये कर रहे हैं,
अभी जो बोलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो देखने में लगते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये सब कोटे हैं। लेकिन प्रभुपाद ना, प्रभुपाद ने ऐसे ही प्रचार किया। प्रभुपाद ने उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को लिया है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गले में इनकी एक छोटी सी बक्स डाल देते थे, बोले घर घर में जाओ और भिक्षा मांगो, और जो भिक्षा देगी वो बक्स में देगी। भिक्षा मांगने का छलना में घर घर में उन्होंने हरि कीर्तन को उन्होंने प्रचार किया है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और उसको प्रभाव से ये हुआ संपूर्ण पृथ्वी में। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आश्चर्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, ये भगवान का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में सुखी हया लोक मर गाय कीर्ति, सब लोग प्रसन्न होकर के बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था। कदे यद्यपि ये भविष्यवाणी को सब लोगों ने सार्थकता किया है जिसको द्वारा उन्होंने जितना करवाया, लेकिन अगर देखोगे पूर्ण रूप में हैं परिपूर्ण रूप में वाणी को कोई सार्थकता किया ना, किसने किया? संजीव तुम्हारे पीछे जो खड़े बोलो इधर आग बैठ जाए, तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं। इसलिए अगर संपूर्ण रूप में ये वाणी को कोई सार्थकता की है, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी मैं महापुरुष हूँ। पहले पहले जितने बड़े बड़े आचार्य लोग आए, जितने बड़े संत आए, इन लोगों ने भी प्रचार किया है, लेकिन इनका जो प्रचार है ना पृथ्वी में थोड़ी सी किसी एक जगह में नहीं प्रचार कर दिया, एक शिष्य कोई दो शिष्य, लेकिन पृथ्वी को 64 मंदिर स्थापन करना है, और उन्होंने हजार हजार नहीं शिष्यों को उन्होंने शिष्य बनाए, सर्वत्र उनको घर घर में भेजा, भेज भेज करके सारे दुनिया में जो इतने क्रांति ले आए ना संपूर्ण दुनिया में कृष्ण भक्ति की, यही महापुरुष। इसलिए इन्हीं के लिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो इतने बड़ी बात इनके लिए बताया, कहते एक तराजू ले लो, कहते तराजू में एक तरफ में अभी तक जितने बड़े बड़े साधु जगत में आए उनका देह उनका भजन को तराजू का एक तरफ में रख लो, और ये महापुरुष का जो देह इनका जो प्रचार प्रसार अगर दूसरे तराजू का दूसरे तरफ में रख लोगे ना, देखोगे प्रभुपाद का जो पला भारी पड़ेगा। अभी मैं इसको सोच कर बड़े बड़े आश्चर्य होता था, क्यों कितने अभी तक कितने साधु दुनिया में आए, कितने साधु दुनिया में आए, कहते इनका सबके सब एक तरफ में, इनका एक तरफ में, ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा नहीं बात सही है, क्योंकि जो प्रभुपाद है ये कौन है, राधा रानी के नयन मणि मंजरी, इनकी आंखों की ये पुतला है, हैं ये पुतला हम कहते हैं ना, मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज गोविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोन संगते सदा करी सवीरमा कृपा कटा अपना कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर में भी करोगे। इसलिए इनके जो कृपा कटाक्ष, कृपा मतलब करुणा रूपी जो कटाक्ष जो दृष्टि है, ये कौन है? ये प्रभुपाद है। उनका क्या कहते हैं, त्रिलोक शोक हरिणी, तीन लोकों का जो शोक को ये हरण करने वाले, इसलिए प्रभुपाद राधा रानी की कृपा कटाक्ष है। इसलिए बताओ इनके जैसे जगत में कोई बड़े बन सकते हैं? इसलिए इनके लिए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इतनी बड़ी इनके लिए बात करते थे। इसलिए यही महापुरुष का कृपा है। देखो हम सबके सब कहीं कहीं अलग, ये बिहार के, तुम कहाँ के हो? इंदौर के। तुम कहाँ के हो? नोएडा के। तुम कहाँ के हो? उड़ीसा से। तुम कहाँ के हो?
तुम कहाँ के हो? झारखंड से। अब कहाँ के हो? ब्रज के। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी सारा दुनिया का अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये सबको एकत्रित कर देंगे, सब लोग यहाँ पर बैठी करके एक जगह पर एक छत्र छाया से हम लोग भगवान की भक्ति भजन कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है? कहते ये महापुरुष का कृपा है, अगर ये नहीं आते तो हम भक्ति भक्ति नहीं करते। इसलिए और मैं जहाँ पर हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो किसी गाँव के किसी कोने में हूँ, सही आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे गांव में अगर कोई एक स्कूटी आ जाती थी ना, सारे गांव के बच्चे बाहर निकल जाते थे, गांव में स्कूटी है चलो घूम देखने के लिए। हम तो इतने एक गांव के अंदर में जहां जिस गांव में कोई बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन वहां के व्यक्ति अभी यहां आकर के वृंदावन आकर के भक्तों के बीच में बैठ कर हरि कथा हरि कीर्तन करे, केवल ये महापुरुष का ही कृपा। इन्हें नहीं उन्होंने भक्तों को घर घर में भेजे, सारे सारे गांव गांव में भेजे, तभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुई। अगर ये महापुरुष नहीं होता ना, कभी भी हम सोच नहीं सकते थे। थोड़ी बहुत जो भक्ति तो हो ही नहीं रहा है, जो भक्ति करने का जो चेष्टा कर रहे हैं, यही महापुरुष का कृपा है। अभी हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी खुश हो, इनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी करे। तो उन्होंने फिर जैसे हमारे प्रभु जी ने कथा सुनाई थी,
विमला देवी से प्रार्थना करी। विमला देवी ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनको पुत्र रूप में प्रदान किया, इसलिए उनका नाम क्या रखा, श्रीला विमला प्रसाद। और सचमुच में प्रभुपाद तो कोई साधारण व्यक्ति कोई है, वो तो कौन है गुरु जी, क्या बता रहे थे, राधा रानी के नैनमणि मंजरी। इसलिए जब प्रभु जी बता रहे थे रथ यात्रा, प्रभुपाद जी का जो जन्म हुआ वो पुरी में हुआ, जगन्नाथपुरी में, जो बड़गंज है ना, जहाँ भी चैतन्य गौड़ी मठ है, जगन्नाथ मंदिर थोड़ा दूर आते 100 मीटर भी नहीं है, वहां पर चैतन्य मठ जो है वही भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था। भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ी पोजिशन पे थे, उनको बहुत बड़ा घर वहां मिला हुआ था, उसी घर में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन जब जगन्नाथ निकले रथ यात्रा से, जगन्नाथ जी रथ में बैठकर कहां जाते हैं बताओ, जगन्नाथ जी रथ में बैठकर कहां जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, आनिर मन मन मोर वन वृंदावन, और अपने हृदय में बिठा करके जगन्नाथ जी को रथ, अपने हृदय रूपी रथ में बिठा करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाते हैं भक्त लोग। लेकिन जब जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके चले, जब चले तो जगन्नाथ तो सब जानते हैं, राधा रानी के एक कटाक्ष से कृष्ण के हाथ से बांसुरी गिर जाती है, जो सिर पे मोर मुकुट में जो पंख है, मोर पंख, वो भी गिर जाता है, राधा रानी का कृपा कटाक्ष कितना देखो, कृष्ण भीग जाते हैं, कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा राधा रानी का कटाक्ष। लेकिन कृष्ण किसका दर्शन करना चाहते हैं, वही राधा रानी के जो नैन मणि मंजरी रूप में जिन्होंने अभी धरती पर अवतरित हुए, कौन, प्रभुपाद, वो अभी उस घर में। और जगन्नाथ जी रथ से निकल रहे हैं, जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण स्वयं। जब निकल रहे हैं तो जगन्नाथ जी वहां रुक गए, रथ कहां हुआ सबको पता है, जगन्नाथ जी का रथ उनकी इच्छा के बिना नहीं चलता, जहां रुक जाएगा वहां रुक जाएगा, रथ रुक गया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, रथ बढ़ी नहीं रहा, हाथी से खिंचवाया, सब लोगों ने जोर लगा दिया, लेकिन रथ खींचता ही नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी किसको देखना चाहते हैं, और उनके जो पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर वो कौन है, कमल मंजरी, राधा रानी की कमल मंजरी। देखो मंजरी तो यही होता है, राधा कृष्ण का मिलन कराना ही उनका उद्देश्य होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी लेकर के प्रभुपाद को रथ पर आए, हाँ, जगन्नाथ जी के रथ पर लेकर आए, और जैसे ही जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं प्रभुपाद जी, जैसे जगन्नाथ जी के सामने आते, जगन्नाथ जी के हृदय से निकल करके माला उनके गले में गिरता है, ठीक उसी प्रकार जैसे राधा रानी के देखने से कृष्ण की बांसुरी गिर जाती है, मोर पंख गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी का जो माला निकल करके कहां गिर गई, प्रभुपाद जी के गले में गिर गई। देखो प्रभुपाद जी कोई साधारण नहीं, कितना विशेष, ऐसा होता है साधारण रूप में नहीं होता। और जब जन्म लिया, जो हम तिलक लगाते ना द्वादश तिलक, ये प्रभुपाद जी के जन्म के साथ ही अंकित शरीर और जनेऊ का भी निशान था, कोई साधारण मनुष्य के लक्षण नहीं, महापुरुष साक्षात। और प्रभुपाद जी का जो वैशिष्ट, क्या प्रभुपाद जी जब बोलते थे, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े पंडित दुनिया में धराशायी हो जाया करते थे, यहाँ तक कि जो उस समय इंग्लैंड का प्रेसिडेंट था वो भी आकर के प्रभुपाद जी की बात सुन के बड़ा प्रभावित होता था, ऐसा वैशिष्ट था प्रभुपाद का, हाँ, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भी जाकर के उन्होंने भक्ति को प्रचार कर दिया, अपने एक एक शिष्य से बड़ा बड़ा काम करा दिया, केवल एक ही बार बोलने से इतने बड़े बड़े काम करा दिए जो कि कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्या कोई कर सकता है बताओ। मिशनरी लोग भारत में आते, मिशनरी लोग आते हैं ना, मिशनरीज कौन होते, जो जिनका मिशन होता है लोगों को ईसाई बनाना, होता है कि नहीं होता, वो मिशनरी लोग आते हैं, चर्च खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, फ्री पढ़ाएंगे, हाँ, फ्री हॉस्पिटल देंगे, अपने को ईसाई बना लो, ईसाई बन जाओ, और हम तुमको फ्री हॉस्पिटल देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, क्या बन जाओ, ईसाई बन जाओ, उनका मिशन है। कितनी कठिनाई से वो लोग एक व्यक्ति दो व्यक्ति को ईसाई बनाते हैं, भारत में आज उनको लगभग 100 साल हो गए, तब भी इतने लोगों को वो ईसाई नहीं बना पाए। लेकिन प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद ने एक अपने शिष्य को बोला कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्या है तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम विदेश में जा करके हमारी जो संस्कृति है भक्ति का प्रचार करो। वो कौन थे शिष्य, जोर से बोलो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जब उनको आज्ञा दिया कि तुम जाकर के विदेश में प्रचार करो, उन्होंने इतने कम समय में करोड़ों लोगों को क्या बना दिया, भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया, बिना पैसे के फ्री में, ना कोई स्कूल खोला, ना हॉस्पिटल खोला, कुछ भी नहीं खोला, फ्री में क्या कर दिया, सबको हिंदू बना दिया, क्या बना दिया, हिंदू बना दिया।
मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक गुजराती घर में गया ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम ब्रिजबन जो गया देखा स्वामी महाराज है कोई शिष्य है फिर बात होते तो उसने मेरे को ये बताई वो तो भारत से गई गुजरात से गई है एक दिन देखा है कि अंग्रेजी मोड़ मुड़ा करके और इतने मोटे चोटी और गले में हम तो पतली पतली माला पहने और जो अंगूठे के अंगूठे के बराबर गले में इतने मोटी मोटी कंठी पहनी और तिलक तो खरीद हमें दिखता नहीं एक तो मोटे मोटे तिलक और हाथ में ये माला झोल लोली के करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे देखा एक अंग्रेज नहीं सौ कर कर अंग्रेजी मेन रोड में और ये मृदंग करताल लेकर के ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे हिंदू लोग भी आप इसको बोलते तिलक लगा तो शर्म लगता है लेकिन बीड़ी फूंकने के लिए शर्म नहीं लगती उल्टा काम के लिए शर्म नहीं तिलक है गला में घंटी कैसे लोग बोलते हैं तो क्या बाबा बन गए हो तो क्या साधु बन गए हो भैया साधु चोर बनेंगे नहीं तो बोले क्या तू हरे कृष्ण वाले बन गए वो उम्र को खुद गए थे मतलब भारत में भी किसको चोटी रखने के लिए शर्म लगती है किसको गले में कंठी पहनने के लिए शर्म लगती है तिलक लगाने के लिए वो मेरे कह रहे थे गुजराती थी बहुत अच्छी पैसा वाला थी बहुत अच्छी पैसा वाले क्यों आलीशान मकान ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजबेन में भले मैंने जब ये देखा बोले भैया वो तो गए गुजरात से भारत से गए ना बोले भैया इनको मुड़ा के किसने मुड़ाया इतने हमारे भारत में किसको बोल दो लेकिन वहां देना गृहस्थ त्यागी वो भी गुड़गुड़ा कर रहे होंगे विदेश में हैं इसलिए बोले इतने मोटी मोटी चिकचोटी और इनकी तिलक कंठी ये कैसे भैया इनको बाबा बना किसने वो कह रहे हैं मैंने सोचा इनको जो बाबा बनाया ना मैं उससे मिलना चाहता किसने ऐसे अंग्रेजियों को भाई बाबा किसने बना दिया ये सफेद गोरों को फिर सुनते सुनते भक्ति वेदांत श्रीला स्वामी महाराज से मिले फिर उनसे पूरा परिवार उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए पूरी परिवार को परिवार दीक्षा मंत्र लिए अब उनका पूरा परिवार मतलब पूरा परिवार के परिवार कृष्ण भक्ति करते हैं और रईस व्यक्ति वहां के जैसे राजा है हाँ उनकी आटा उनका नाम पर चावल उनका नाम पर दाल सारा दुनिया में चलता है हिंदू नहीं बड़ी इसलिए ये महापुरुष का ऐसे कृपा है ना ऐसे कृपा ये महापुरुष का इसलिए गुरुदेव कहते थे एक वृक्ष की महत्व कब समझ में आएगा बोले फले ना परिचयते जिस वृक्ष में फल जितने सुंदर होना वो वृक्ष को हम उतना महत्व देते हैं अगर घर में बबूल का पेड़ हो जाए काट दो लेकिन अपेल का पेड़ हो जाए अमरूद की चीटी भी रखो पानी दो क्यों फल देगा इसलिए कहते ये जो महापुरुष है कहते इनकी फल कौन है इनकी फल कोई साधारण नहीं ऐसे एक एक फल इसमें फला है ना जो विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति रस में सरावर कर दिए ऐसे एक एक फल है जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो इसको स्थापन किया है मेरे गुरुदेव भक्ति माधव गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज हैं भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति हृदय बंदेव गोस्वामी महाराज भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भक्ति देता माधव उनका क्या एक एक शिष्य होगी जो सोच नहीं सकते जिधर गए ना चीर फाड़ करके इन्होंने कृष्ण भक्ति की बाढ़ लिया है ये महापुरुष की इतनी महिमा इसलिए वृक्ष की तभी महिमा फल से इनका जो फल कोई साधारण फल नहीं है बड़े दिव्य दिव्य इनकी वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर इनका जो चेले हुए है एक पारस मणि थे जैसे लोहे को पारस मणि से छुला दो ना उसको सोना बना देती है ये महापुरुष का संस्पर्श जो आए ना वो सब तो सोना बनाकर चले गए सब तो उन्हें सोना बनाकर चले गए जब ये प्रचार कर रहे थे इनकी प्रचार ऐसे जा रहा था
उसी समय में जितने संप्रदाय थर 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 कांपने लग गए। एक व्यक्ति इनको पास में आए, बोले प्रभुपाद एक काम करो। बोले क्या है? बोले अगर दो चीज की छूट दे दोगे ना, दो तीन चीज की छूट दे दो, ये पृथ्वी में संप्रदाय सब एक संप्रदाय में, आपका संप्रदाय में आ जाएगा। देखो क्या कहते जो बीड़ी है हैं? बीड़ी को छोड़ दे दो और चाय को छोड़ दे दो। ये चाय और ये बीड़ी, ये दो चीजें अगर आप छोड़ दे दोगे ना, और ये थोड़ी प्याज लहसुन को अगर इसको थोड़ी छूट दे दिया, ये पृथ्वी में केवल एक ही संप्रदाय रह जाएगा, ब्रह्ममाधव गौड़ीय संप्रदाय। और कोई संप्रदाय पृथ्वी में रहेगी नहीं, सारे आपके चरण में आ जाएगी, क्योंकि इतने उस समय इतने इनके प्रभाव था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक टाइटल किसने दिया उस समय, वो अभी सुन रहे थे ना, इतने विद्वान थे उस समय में। उस समय जो जो यूनिवर्सिटी था, ज्योतिष विभाग का यूनिवर्सिटी, इनकी विद्वता को देख करके बोले इनको प्रिंसिपल पद में इनको बैठा दो। प्रिंसिपल पद जब उन्होंने बोला भैया, उसने कहा भैया हम तारा पत्थर गिनने के लिए नहीं आए, हम तो महाप्रभु का पियर हैं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन से महाप्रभु की वाणी लेकर जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, ईंट पत्थर तारे गिनने के लिए नहीं आए। देखो उसी समय में उसी तथाकथित जितने विद्वान बोले ये कुर्सी में आपकी सिवाय इसमें कोई नहीं बैठ सकते हैं, जब तक आप रहोगे ये कुर्सी आपके लिए खाली रहेगी, जब आप चले जाओगे फिर इसमें कोई बैठ सकता है, नहीं तो उसमें कोई बैठ नहीं सकता है। ऐसे इतने बड़े विद्वान थे, इतने कितने भाषा बोलते थे। जब ये अंग्रेजी बोलते थे ना, एक समय कहीं अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, अंग्रेजी में वो था जो अंग्रेजी वो था जो रिपोर्टर होता है ना, वो था रिपोर्टर न्यूज पेपर में जो निकालते हैं। जब इनकी अंग्रेजी की लेक्चर समाप्त हो गई, वो बड़े जोर से ताली बजाए। प्रभुपाद ने पूछा भैया तुमने क्या समझा इतनी जोर से ताली बजाए? बोले महाराज मैं न्यूज पेपर रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन आप क्या अंग्रेजी बोल रहे थे मेरे भी पले में नहीं पड़ रहा था, मैं भी समझ नहीं पा रहा था, ऐसे आप अंग्रेजी बोल रहे थे। इनके अंग्रेजी जब शब्द को ट्रांसलेटर उबार था, वो गोलोक वृंदावन से कहते भैया हम डिक्शनरी खोजने पर भी ऐसे शब्द बोले, डिक्शनरी में भी इनकी अंग्रेजी नहीं देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि गोलोक वृंदावन से आए, गोलोक वृंदावन की वाणी वो बोलते थे। इसलिए इनका तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती मतलब क्या है, ये भक्ति सिद्धांत में दूसरे सरस्वती जैसे ये विद्वान थे, इसलिए उनको उपाधि दिया गया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इतने बड़े विद्वान इस जगत में ये आए, तभी ये सारा दुनिया में ये भक्ति को प्रचार और प्रसार करके और सारा दुनिया को भक्ति में लगा कर गए। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीद्वैत गदाधर शिवशादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम सूर्य गुरुपाद नित्य लीला पृष्ठम ओम विष्णु पाद स्तोत्र सत्य शिशु भक्ति विधान परमहंस रूपचारिणा चतुर्थ स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभिचंद कमलों में कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत मुझे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रील भक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव रूपानंद गुरु परंपरा के चरण कमलों में आश्रय लेते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथा पिपासु श्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। और आज विशेष प्रणाम उन महापुरुष के चरणों में है जिनकी महिमा को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गुरुपाद की जय हो। श्रील महाराज जी के अनुगत्य में हम सुन रहे हैं विभिन्न विभिन्न वक्ताओं से श्रील प्रभुपाद जी की महिमा को, उनके जीवन चरित्र को, उनकी जीवन लीलाओं को, बहुत कुछ हम लोगों ने सुन लिया। जो मैं थोड़ा बहुत सुन पाया पहले पूर्व कथाओं में, वो रोहिणी प्रभु ने, मनमोहन प्रभु ने, अन्य अन्य सभी भक्तों ने उसको बता दिया।
मुझे एक छोटा सा प्रसंग आ रहा है दो चार मिनट में कह के, फिर महाराज जी के आदेश अनुरूप वक्ता दूसरे आएंगे। मैं अपनी बात को जोड़ूंगा प्रभुपाद जी के इस एक लेक्चर से जो अभी बिल्कुल रोहिणी प्रभु ने हमको बताया ना कि वो क्यों आए। हाँ बस ये ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी का लेक्चर उसको उससे कनेक्ट कर लेना, जोड़ लेना। सन 1932 में प्रभुपाद जी के आश्रित जन मद्रास में प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते करते वो बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार किया और फिर उन सब लोगों के माध्यम से प्रभुपाद जी को वहां बुलाया गया। बात सन 1932 की है। प्रभुपाद जी को वहां बुलाया गया और बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्रभुपाद जी का वहां पे एक ये स्पिरिचुअल फंक्शन हुआ। प्रभुपाद जी बोले बहुत सुंदर उन्होंने बातें करी। प्रभुपाद जी ने बहुत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जितनी भी तत्व सिद्धांत की बातें प्रभुपाद जी बोले, वहां बैठे हुए सभी लोगों ने उनको सुना और सुन के ये बोले कि प्रभुपाद जी की जो वाणी है ना वो जरा क्लिष्ट है, हिंदी इंग्लिश जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि रिपोर्टर को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं जबकि वो इंग्लिश प्रेस रिपोर्टर है। तो ऐसी उनकी वाणी वैभव था, वो समझ नहीं पाते थे साधारण लोग। तो ये कहते थे कि प्रभुपाद जी अगर थोड़ा सा आप इसको सरल भाषा में बोलेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोले हम सब लोग इस बात को समझेंगे। प्रभुपाद जी क्या बोले, बोले कि भाई तुम अपने स्तर को ऊंचा उठाओ ना, हम अपने स्तर को क्यों नीचा गिराए, हमको प्रयास करना है कि हम इन महापुरुष की वाणी को समझ सके। सेवा के माध्यम से सेवा करनी पड़ेगी, हम कितने भी बड़े बुद्धिमान हो भौतिक जगत की दृष्टि से, कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन ये वाणी वैभव ऐसा है जैसे महाराज कह रहे हैं ना कि गोलोक वृंदावन की बातों को यहाँ का जीव कैसे समझ लेगा, ये इन्हीं की कृपा से समझ पाएगा। जब इनकी चरणों की सेवा में हम लोग लगे रहेंगे तब इन्हीं की कृपा से हम इस वाणी को समझ पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अपना स्तर क्यों नीचे गिराएं, तुम अपने स्तर को उठाओ। तो हमको ये स्तर अपना उठाना चाहिए, हम कब तक इन चीजों में लगे रहेंगे, हमको अपना आत्म कल्याण करना है। भाई प्रभुपाद हमारे लिए आए, गुरुदेव हमारे लिए आए, महाराज जी हमारे लिए बैठे, हमारे में भी ये सोच लो मेरे लिए आए, जो रोहिणी प्रभु कह चुके हैं, ये जब समझ लोगे ना कि मेरे ही लिए आए तो हमको फिर अपने ही लिए करना है, सेल्फ सेंट्रलाइज होके करना है, सेवा जितनी होगी मैं करूंगा, ये सारी चीजें। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि भाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुमको स्तर उठाना पड़ेगा, अपना ऊंचा करना पड़ेगा, हम अपना स्तर नहीं गिराएंगे। तो हम सब लोग प्रभुपाद जी के चरणों में यही पुष्पांजलि देते हैं कि प्रभुपाद आप कृपा करें, आपके आश्रित जन हम पे कृपा करें, और महाराज जी की तो विशेष कृपा हो ही गई है और महाराज जी अपनी इस अहेतु की कृपा को बनाए रखें, ऐसे ही यहाँ ये चलता रहे, भक्ति का कार्य बना रहे। एक बड़ी सुंदर बात और याद आ रही है, प्रभुपाद जी के अष्टकम में लिखते हैं श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के, विपुलीकृत वैभव गौर भुवं भुवनेश विकृतित गौर दयम दयना गण अर्पित गौर पदम प्रणामि पद सदा प्रभु पाद पदम। प्रभुपाद जी के जितने भी आश्रित जन है, महाराज जी ने नाम लिया है, जितने भी आश्रित जन है, प्रभुपाद जी ने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करी, 60 संन्यास अपने शिष्यों को संन्यास दिया, ये जितने भी इनके संन्यासी हैं एक एक धुरंधर है, प्रभुपाद जी की ही शक्तियों से संपन्न है। एक एक संन्यासी ऐसा था प्रभुपाद जी का शिष्य जिनको संन्यास दिया, और ये आश्रित जन जितने भी हैं प्रभुपाद जी के कहने के क्या करेंगे, विपुलीकृत वैभव गौर भुवम, जो श्रीमन चैतन्य देव है इनकी वाणी का प्रचार पूरे विश्व में पूरी पृथ्वी पर इनके इन आश्रित जनों ने किया। प्रभुपाद जी के जितने भी आश्रित जन है, विपुलीकृत वैभव गौर भुवम, पूरे विश्व में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार इन्होंने किया। और देखो जैसे अभी अनुपम प्रभु की भी मेरे को एक बात याद आएगी कि ये जो मठ है, ये जो सेंटर है, ये किस लिए है कि प्रभुपाद जी की ये देन है कि सुबह उठो मंगला आरती करो, कीर्तन होगा, कथा होगी, प्रसाद होगा, भक्ति में क्रियाएं यहाँ चलती रहेंगी, लेकिन इन भक्ति में क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार। हम यहाँ सीखेंगे, ये हमारे लिए लर्निंग सेंटर है, ये हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर है, हम यहाँ सीखेंगे ऐसे महापुरुषों के अनुगत्य में रह के, और फिर आगे चल के क्या करेंगे, श्रीमद् चैतन्य महापुरुष की वाणी का प्रचार, यही करना है। और प्रभुपाद जी ने अपने आश्रित जनों से यही कराया, और श्रील महाराज जी भी साक्षात रूप में हमको ये दिखा रहे हैं कि पूरे विश्व में देखो मैं महापुरुष की वाणी का प्रचार कर रहा हूँ। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद, ऐसे उनके आश्रित जन श्रील महाराज जी और अन्य अन्य सभी भक्त लोग
जो इस कार्य से जुड़ गए हैं, जो इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हुए श्री प्रभुपाद जी के चरणों में मैं अपनी वाणी को रखता हूँ। वंशा कल ओम ज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन सलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म प्रविष्ट जीवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्योगाचार्य श्रीमद्भक्ति स्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके अहितु कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके भी अहितु कृपा की वांछा करता हूँ। सब उपस्थित कथा प्रभासु भक्तविंद भक्तजन प्रभु जी सबके चरणों में यथा अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। अभी मैं बाहर बैठ के सुन रहा था, सबने बहुत सारी चीजें कही, पर जो उन्होंने कहा ना रोहिणी प्रभु ने, वो जो बोल रहे थे वो मुझे लग रहा था सारा मेरे लिए बोल गया। वो चीजें होती है, कारण दूंगा क्यों। उन्होंने कहा हम दूसरे को बहुत देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, हम क्या अपने आप को देखते हैं। मैं भी वही करता हूं, सबको देखता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो। और जब जिस दिन सच में ये देखने लग गए ना, फिर किसी से कुछ कहने के लिए समय ही नहीं होगा, क्योंकि अपने में ही सुधारने के लिए इतना बचा है कि दूसरे को देखने का समय कहां है। तो सबसे जरूरी वस्तु जो है ना, हम सबको कह रहे हैं ये करो ये करो ये करो, तो प्रभुपाद जी के जीवन का सबसे पहला जो उदाहरण था ना, सबको कहा ना हरि नाम करो, करने से पहले खुद क्या किया, 10 साल खुद निर्जन स्थान में रह गए, हाथ को पीछे करके गऊ ग्रास की तरह, जैसे गाय ग्रास करती है ना, ऐसे ग्रास में जितना आ गया प्रसाद उतना ही लेते थे, बाकी 22 घंटे वो हरि नाम करते थे। 100 करोड़ हरि नाम करने के बाद जब तक सपरिकर स्वयं सचिनंदन गौर हरि ठाकुर जी सब सपरिकर आके दर्शन नहीं दिया, तब तक प्रचार करने के लिए नहीं गए। किंतु हम सब प्रचार करने की बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, स्थिति है। वो जब हमारे गुरुवर्ग हमको आदेश दे देंगे ना सच में जबरदस्ती कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, उठे और चल दिए। प्रभुपाद का आचरण था, वो रोहिणी प्रभु ने कहा ना वो सब कुछ वो किसी और के लिए नहीं, वो सब मेरे लिए है। तो उतना ही करने की चेष्टा, मैंने जो चेंज किया है उतना ही करने की चेष्टा करनी है जितनी आवश्यक है। अति आवश्यक में लग गए ना तो जो अपना हो रहा वो भी कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा। तो किस किस को सब हम सुधारना चाहते हैं ना, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कोई नहीं सुधरेगा। और हमेशा एक बात गुरुदेव कहते थे कि आप किसी को कितने भी बोल लो, दूसरे पे प्रभाव उसी बात का पड़ेगा जिस जो आपके जीवन में खुद आचरण है। जो आपके आचरण में नहीं है ना वो दूसरे को प्रभावित बात कर ही नहीं पाएगी, चाहे कितनी बार भी उसको बोल देना। तो मेरी तो प्रभुपाद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, सब भक्तों के चरणों में यही प्रार्थना है कि पहले अपने जीवन में आचरण करने की चेष्टा पूरी हो जाए, उसके बाद आगे कभी विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या समझना, भजन किस जन्म में होगा पता नहीं, पर अभी जो भजन की परिपाटी गुरुदेव कह गए उसका कुछ अंश भी इस जन्म में पालन हो जाए वही बड़ी बात है। इतना ही कह के
अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल कृपा सिंह कभी का नाम हरे कृष्णा। हाँ देखो श्री चैतन्य चैतन्य जीत प्रभु जी आ जाओ इधर। इसलिए चैतन्य चैतन्य बताया है आचार करने के वो ना कर प्रचार और प्रचार करने के वो ना कर आचार। कहते आचार प्रचार नाम कर तुई कार्य तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत राज। ये चैतन्य चैतन्य कर। लेकिन ये भगवत गीता में भी यही बात बताए आचिनोति जह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयत अपि स्वयं आचरति जस्मात् आचार्य स्तन कृतः। यही श्लोक का अनुवाद हुआ है। मतलब है जगत में कोई आचरण करता है लेकिन प्रचार नहीं करता है। लेकिन कोई प्रचार करता है कोई आचरण नहीं करता है। लेकिन क्या करनी चाहिए? दोनों काम को करना चाहिए है। कहते आचरण भी करनी चाहिए और उसको साथ साथ में भी हमें भगवत प्रचार करनी चाहिए। दोनों काम हमारी होनी चाहिए। इसलिए ये महापुरुष के अंदर में ये दोनों काम परिपूर्ण रूप में दिखता है। अभी सुन रहे थे ना दिन में उन्होंने अगर कोई सोलह माला करता होगा ना अब देख लेना सवेर लेकर शाम तक करते तो सोलह माला खत्म नहीं होता। किसने तो चार माला ही नहीं कर पाते। जहाँ माला तहाँ का था लटक गया। गुरुदेव तो माला ले लिया हाँ माला लेकर लट्ठा कर रख दिया हाँ? जहाँ लटक रहा है कभी चूहा उसमें घोसला बना दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरु जी से हम माला लेना वो माला नहीं है वो स्वयं कृष्ण है। माला रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन भी तुमने माला नहीं की तो क्या समझो आज ठाकुर जी खाना नहीं खाए ठाकुर जी स्नान नहीं किया ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला है ठाकुर जी पूरे भूखे रहेंगे। क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान कलयुग में ये नाम रूप में ठाकुर जी आए। इसलिए भले ही जीवन में तुम जो कुछ करना कर लो जीवन में जो कुछ करना कर लो लेकिन भैया अंतिम समय तो यही बोलेंगे राम नाम सत्य है हर गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है सब के बाद झूठा है। अंतिम समय में एक सुई धागा भी हाथ साथ में नहीं जाएगी सब यही रह जाएगी। अगर किसको बोले थोड़ा हरिनाम कर लो बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखना चाहिए ना। गुरुदेव कहते भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाया करो बच्चा हो ना होगा तो कमा ही लेगा अगर नाला ही बनेगा ना। तू जितने पैसा कमा करके जा रहे हो वो सब के सब जुआ खेल करके दारू पीकर शायद खत्म कर देगा। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी काम आए और अभी जीवन में तो दीन दीन भरत सवाए पावे जी मैंने राम कृष्ण। इसलिए महापुरुष देखो दिन में तीन तीन लाख अगर कोई एक लाख हरिनाम करे ना आप देखना सवेरे से उठने से पहले से सोने तक भी किसी तरह से दम लगा कर करोगे तो जाकर के छह सात घंटा में एक लाख नाम पूरी होता है। और तीन तीन लाख हरिनाम कोई साधारण बात नहीं। मतलब दिन में अगर दो तीन घंटा कभी जो सोए ना और कुछ नहीं करे तभी वही व्यक्ति ही ये हरिनाम को भी कर सकता है। इसलिए ये महापुरुष ने पहले डट करके उन्होंने ऐसे हरिनाम उन्होंने किया ऐसे प्रभुपाद ने हरिनाम किया तीन तीन लाख दिन में उन्होंने हरिनाम किया है। कठोर साधन की इतने कठोर प्रभुपाद साधन करते थे शरीर एकदम सूख जाती थी शरीर की एकदम सूख गया था शरीर जब उन्होंने और कितना दिन तक किया कहते कम से 12 साल तक तीन तीन लाख हरिनाम किया तो उन्हें 100 करोड़ नाम जग गया 100 करोड़। अगर कोई ऐसे हरिनाम करे ना बात सिद्ध हो जाती बात सिद्ध समझते हो आप जो मुंह से जो बात निकलेगा ना वो हो जाएगा आप जिसको जो कुछ बोल तक हो जाएगी। क्यों? एक व्यक्ति 12 साल तक मतलब एक कल्प 12 साल में एक कल्प होता है अगर 12 साल तक अगर किसी ने ये हरिनाम तीन तीन लाख हरिनाम करोगे तो तुमको सोने किसी तरह से सो पाओगे कोई काम नहीं कर सकते। जिसकी जुहा में ऐसे 12 साल तक कंटिन्यू 24 घंटा में 24 घंटा जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे अगर कोई हरिनाम करेगा तो क्या नहीं हो सकती। इसलिए इनकी प्रचार इतने थोड़ी दिन में इतने विश्व में कई कैसे कारण यही है इनकी जो साधन है ना बड़े कठोर साधन था ठीक है ना। इसलिए हमें कुछ तो कुछ करनी चाहिए। देखो कहते देखो महाप्रभु बोलते थे जब तक तो कोई लखपति नहीं होगा ना उसका हाथ भी हम खाना नहीं खाएंगे। महाप्रभु बोले ना
कहते भैया अगर एक दिन में एक लखपति नहीं बन सकते हो, मतलब एक लाख हरिनाम नहीं कर सकते हो, कम से कम चार दिन में तो लखपति बना। चार मतलब कम से कम सोलो तो कम से कम इतना तो करो, इससे कभी नीचे मत उतरो। एक दिन भले ही खाना मत खाया करो, सोलो माला करने की ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखो सीरियल जब टीवी देखने लग जाए ना, कोई सीरियल आ जाए गलती से गलती तीन तीन घंटा बैठ बैठ कर आप हार बार कर लेते, लेकिन उसमें बोर नहीं होते हैं, उसमें बोर नहीं होते हैं भैया। जिसमें असली शांति मिलेगी, जिसमें असली सुख मिलेगा, ये आत्मा उसके लिए कुछ करनी चाहिए ना। इसलिए भैया हरिनाम हमें ये महापुरुष यही सिखा देते हैं, हरिनाम अपना निष्ठा पूर्वक अपना हरिनाम करो, अपना संख्या माला को निष्ठा पूर्वक करो। बाबू गोस्वामी महाराज मैंने देखा जब हरिनाम देते थे, मैं वहाँ पास में खड़ा रहता था, तब वो महाराज कहते थे देखो कम से कम सोलह माला तो करो। बोलते थे अगर हम किसको प्रेम करते हैं ना, किसको हम प्यार करते हैं, प्यार का लक्षण क्या, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, खिलाती है, कपड़ा प्रेस करती है, उनको पहना, प्रेम का ही तो लक्षण है ना जो उसके लिए करोगे। उसी तरह भगवान के प्रति तुम्हारी प्यार है, क्या लक्षण है, क्या मुंह से बोलने कभी माँ बोले बेटे को तेरे प्यार करती है, प्यार करती हूँ, लेकिन खिलाई नहीं पिला नहीं, क्या प्यार उसको कहते हैं, कई बात बोलते हैं हम देते समय। इसलिए हम भगवान को प्रेम करते ही उसका लक्षण है सोलह माला से कम नहीं करना और धीरे धीरे बढ़ते रहना। वो बोले धीरे धीरे बढ़ते रहना, उससे नीचे नहीं उतरना कभी, यही से बोल करके तब बावन गोस्वामी महाराज तभी ये हरिनाम को देते थे। इसलिए ये महापुरुष में तो एक सोलह क्या चार चार तेरी बार सोलह 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 माला करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए हम इनसे सब प्रार्थना करेंगे ये महापुरुष हम सबको पर आशीर्वाद दे, ये सबको पर हमें कृपा करे, इसलिए सबके सबको आशीर्वाद दे, जैसे हमारे हरिनाम में निष्ठा हो, गुरु जी का प्रति ठाकुर जी का प्रति हमारी निष्ठा हो, इनसे प्रार्थना करो। जब संत लोगों का आशीर्वाद होता है ना, संत जब कृपा करते हैं तब बस अपने आप सब हो जाता है। इसलिए ये महापुरुष अब हम लोग कौन है, इनकी बेटे के प्रति देखना, बेटे के प्रति जितना प्यार होता है ना, बेटा के प्रति ज्यादा प्यार होता है, पता कि नहीं। अब देखना अपना बेटे में कितने प्यार, नाती पोतियों में ज्यादा प्यार है। इसलिए ये हमारे क्या लगते हैं, लगते हैं ये हमारी दादा लगते हैं, मतलब हमारी प्रति इनकी प्यार है। इसलिए अगर जैसे हम इनकी कथा सुन रहे ना बैठ बैठ कर, वो साधारण तो है, महापुरुष है, गोलोक वृंदावन है, तभी ये सब देख रहे हैं। देखो मेरे नाती पोती बैठी करके कैसे बैठ करके मेरी कथा को कैसे बोल रहे हैं, अब सोच नहीं सकते हो, इतनी खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होंगे आज मेरी तिथि में ये सब बैठ कर। इसलिए हरिदास ठाकुर का जिस हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, महाप्रभु स्वयं हम क्यों आते हैं, महाप्रभु स्वयं अपना हाथ में उठा कर लेकर गए, उनके समुद्र में स्नान कराए हुए समुद्र अभी तक तीर्थ था, महातीर्थ तो बन गया संतों के शरीर स्पर्श से, महाप्रभु समाधि दिया, महाप्रभु स्वयं आनंद बाजार जगन्नाथपुरी में अपना हाथों से भिक्षा मांगे, भक्तों को बैठाया, अपना हाथों से महाप्रभु पिलाए, मतलब महाप्रभु भगवान स्वयं कहते भक्तों का तिरोभाव, शरीर छोड़ने पर भगवान कैसे अपना भक्तों के लिए कितना नहीं। देखो लास्ट में क्या कहते महाप्रभु, कहते आज ध्यान में छोड़े, इसमें जो व्यक्ति आए, जो उसमें समुद्र में जो स्नान कराया, यहाँ तक भी जो उनको समाज में थोड़ी सी रेती दिया, यहाँ तक भी जो लोग इनके उत्सव में आकर केवल प्रसाद पाए ना, देखो भगवान क्या कहते हैं, अचिरात उनको भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए आज इनकी तिथि में आए हैं, इसलिए भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, मेरे भक्तों का तिथि में कोई आए है आकर उनकी कथा सुने केवल प्रसाद, वो कहते अचिरात सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, इनकी तिरोभाव की इतनी महिमा। इसलिए कहीं संतों की तिरोभाव में जाए कथा सुन रहे ना, हाँ देखो हमारे संत कहते थे ठाकुर जी का तिथि है, भगवान रामचंद्र का साल में कितना तिथि आती है, भगवान कृष्ण का कितना तिथि आती है, नरसिंह भगवान का कितना तिथि आती है, लेकिन संतों का कितना तिथि आती है, दो कितना तिथि आती है, दो आती है। बोले क्यों, इनका दो तिथि क्यों, तो भगवान से भी ज्यादा दयालु ये संत है। ये संत लोग इतने बड़े महापुरुष होते हैं, इच्छा करने पर
जैसे ध्रुव जी महाराज हैं, उन्होंने सात शरीर में वैकुंठ विजय किया, सात शरीर में वैकुंठ विजय किया। मध्वाचार्य ने हरि कथा कर रहे थे, इतने में देवता पुष्प वृष्टि की, पुष्प वृष्टि करते करते फूल से भर गए, फूल से भर गए, जब फूल को हटाया लगा ही नहीं। इसलिए ये महापुरुष भी हैं, ये महापुरुष भी इतने बड़े महापुरुष थे, शरीर छोड़ने का जरूरत नहीं, सब शरीर में ये वैकुंठ भी जय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों शरीर छोड़े? हम लोगों के लिए। अगर वो शरीर आज का दिन नहीं छोड़ते, हम बैठ कर हरी कथा होते, बता बैठ कर हरी कथा सुनते, मतलब ये दयालु कृपा हुए। इसलिए जान बुझ करके हमारे लिए उन्होंने दो तिथि उन्होंने बना करके गए, कम से कम मेरी तिथि में आए सुनेंगे, मेरे उपदेशों को सुनेंगे, तो क्या होगा? हमारी कल्याण होगा, ठीक है ना? बोले श्री प्रभुपाद की जय। महाराज जी इनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। देखो इधर ये संजीत, संजीत कहाँ गया? संजीत प्रभु, संजीत है। हाँ देखो अनुपम, देखो ये देखो जो प्रभुपाद का जी मंच बनाए ना, हमारे तीजो प्रभु जी और संजीत प्रभु जी, अनुपम इन लोगों ने, हमारे संजय प्रभु, संजय, इसलिए इन लोग ना दो तीन दिन से फ्रेम ला करके बढ़िया सुंदर बना करके, फूल ला करके, कल रात भर सोए नहीं, और देख कितना सुंदर प्रभु का जी ये मंच बड़े सुंदर, देखो रजनीगंधा फूल और गेंदा फूल से बड़े सुंदर इन लोगों ने बनाया है। इसलिए आप इनके लिए इतना सुंदर प्रभुपाद के लिए स्टेज बनाए ना, आज का दिन कहीं नहीं होना होगा, इसे कहीं नहीं बहुत सेवा कर रहे, यहाँ पर जो बढ़िया बढ़िया साथ बन रहे और है वहाँ पर। दीनबंधु प्रभु जी, दीनबंधु व्यवस्था की बढ़िया बढ़िया प्रसाद और जीत प्रभु का तो नींद हराम हो जाती है। देखो सारे सेवा को ढक लेते हैं, इसलिए जीत भी टेंशन से मुक्त हो जाता, मैं भी टेंशन से मुक्त हो जाता हूँ, इसलिए लोग अच्छे तरह से इसको चला रहे हैं, सब के सब देखभाल कर रहे हैं। इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, भैया ये लोग खूब सुस्त रहे और ऐसे ही साधु संतों की गुरु वर्गो की ऐसे सेवा करते रहे, और हमारे दामोदर प्रभु जी नोएडा में प्रचार करते इधर उधर से, इसलिए भगवान अजीत प्रभु जी, अजीत प्रभु जी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपा जी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ और हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जितने भक्त लोग आए माताएं दीदी लोग प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज जैसे कि आप लोग सभी जानते सुना होगा हमारे गुरु जी के गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी का त्रिभाव दिवस। त्रिभाव कहते हैं मतलब एक आविर्भाव होता है और एक त्रिभाव। वैष्णव की ना जन्म होती है ना मृत्यु होती है,
हम इस जगत में आते हैं तो हमारा जन्म होता है और इस जगत से शरीर छोड़ दे तो मृत्यु होती है। और वैष्णव का ना जन्म ना मृत्यु, जैसे सूर्य है ना उदय होता है और अस्त होता है, सूर्य जैसे अस्त हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है सूर्य चले गए, सूर्य यहाँ पर अस्त हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे तो कहीं पर निकले हैं। जैसे भारत में सूर्य नहीं है तो अमेरिका में सूर्य दिखाई देंगे, अमेरिका में अस्त हुए तो यहाँ दिखाई, सूर्य हमेशा रहते नित्य है। ऐसे भगवान और उनके भक्त हमेशा रहते, वो कभी हमारे आंखों के आगे से ओझल हो जाते छिप जाते, और परंतु उनका प्रभाव उनकी शक्ति उनका ऐश्वर्य हम पे रहता ही रहता है सब जगह। इसलिए प्रभुपाद जी आज भी हमारे समक्ष है, सामने ही बैठे सब कुछ सुन रहे, क्योंकि जब प्रभुपाद जी के गुरुदेव नित्यलीला परमिष्टम विष्णुपाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक समय उनकी त्रिभाव तिथि में प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, जैसे ही प्रभुपाद जी ने माइक लिया तो ऐसे ही मंच सजा हुआ था और बीच में उनके गुरुदेव का फोटो था, और गुरुदेव के फोटो देखकर प्रभुपाद जी जब माइक ले तो बहुत उनकी तरफ देख देख के बहुत रोने लगे, बहुत रोए और बोले कि ये जो चित्रपट देख रहे हो ये मेरे गुरुदेव है, इन्होंने जीवन में मैंने इनसे कभी कोई बात नहीं की परंतु इन्होंने मौन रह के मेरे को सारी शिक्षा दे दी, मौन रह के सारे ज्ञान वेद पुराण उपनिषद सब उन्होंने मेरे हृदय में स्फुरित करा दिए। ऐसे ही गुरुदेव की ऐसी कृपा है वो किसी के साक्षात रूप में भी दे सकते हैं और किसी को दूर में रह के भी कृपा कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे भगवान जगत से अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे, गोलोक वृंदावन में है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो ये मत सोचो भगवान कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी अभी यहाँ पर हैं और अभी भी हम सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इनकी शिक्षाएं हैं, बहुत इनका सुंदर जीवन चरित्र है, यदि कोई इनके चरित्र को पढ़ेगा उनका जीवन पवित्र हो जाता है। जैसे कहते हैं ना वैष्णव गुणगान करिले जीवेर त्राण, उसके शोक रोग मोह सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, कोई प्रभुपाद का नाम भी बोलेंगे ना उसका भी मंगल होगा। जैसे जितने भी इस्कॉन मंदिर देख रहे हो, जितने भी गौड़ी मठ देख रहे हो, जितने भी तिलकधारी आप देख रहे हैं, बच्चे अच्छे जवान बड़े बूढ़े सब इनकी कृपा है। अगर प्रभुपाद जगत में नहीं आते तो हम लोग आज यहाँ बैठकर जो माला थोड़ी बहुत कर रहे ना वो भी नहीं कर पाते, इनकी बड़ी दया है। और इनकी कैसी करुणा है, हम रोज जो अष्टकम गाते ना, हम रोज सुजनार बुधरादित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वर वरदा वरदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इन्होंने पूरे जगत में जैसे प्रचार किया, महाराज जी बताते कोई भी ऐसा जगत कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर महाप्रभु की वाणी का प्रचार नहीं किया। इसलिए पहले जो साधु संन्यासी थे वो कहीं कहीं गुफा में बैठकर भजन करते थे, और कभी कभी कोई उनकी कृपा से कभी कोई दर्शन करने जाता था तो उनका पवित्र हो जाता मंगल हो जाता। तो प्रभुपाद की अंदर इतनी दया थी, उन्होंने अपना तो भजन किया 100 करोड़ और इतना हृदय उनका पिघल गया, उन्होंने जगह जगह जाकर सबसे पहले सन्यासी तो कार में बैठे थे मद्रास में, कार में बैठे प्रभुपाद जी तो कहते ये कैसे सन्यासी है एक कार में बैठ के प्रचार कार में बैठते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, कहते मैं अगर महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए कार से भी तेज चलने वाला कोई भी वाहन यदि मिलेगा, मतलब हवाई जहाज भी मिलेगा, तब भी मैं उसको भगवान की सेवा में उसको ग्रहण करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का यह उपदेश है कि जगत में कोई भी चीज त्याग करने की नहीं है, इस जगत में कोई भी चीज भोग करने की चीज नहीं है, इस जगत की सारी वस्तु जगतपति भगवान की है। अगर भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगा देंगे अपना शरीर मन तन कोई भी माया का प्रभाव नहीं होगा, यदि जगत की कोई वस्तु अपनी सेवा में लेंगे तब वो वस्तु हमको माया पकड़ेगी, अगर हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दोगे तो वो वस्तु हमें नहीं पकड़ेगी। इसलिए कृपा जी ने हर जैसे मठ मंदिर बनाए, क्या जरूरत थी स्थान स्थान कथमठ स्थापिया से निष्कपट, कितने 64 भक्ति केंद्र बनाए और सब जीवों पे दया करने के लिए, इतना 100 करोड़ हरिनाम कर रहे थे, भगवत दर्शन हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवासदी सब लोग आए और उनको कृपा की जाओ, तो कृपा जी ने बोला मेरे पास ना धन है ना जन है मैं कैसे प्रचार करूं, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो जितना धन जितना जन जितने बल चाहिए हम भेजेंगे, और कृपा जी के बाद भेजे भी। इसलिए उन्होंने क्या किया,
जीवन भर महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया और पत्रिका निकाली, पहले मासिक पत्रिका निकाली, फिर 15 दिन पाक्षिक पत्रिका, फिर साप्ताहिक, फिर प्रतिदिन डेली न्यूज डेली पत्रिका निकाली। तो बोले प्रभुपाद जी आप पे इतनी कथाएं कहां से आती है, रोज न्यूज पेपर एक रिपोर्टर 100 जगह जाता था न्यूज कलेक्ट करके लाता है, जब भी इतनी सारी न्यूज है जगत में, तो यहाँ पर नोएडा में देखो बहुत सारी न्यूज आ जाएगी, परंतु आप रोज रोज इतने नए नए संवाद कहाँ से लाते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं एक दिन में इतने संवाद है, गोलोक में जितने संवाद होते हैं ना करोड़ों करोड़ों, इतनी यहाँ पर पत्रिका शाही कलम भी खत्म हो जाएगी, इसलिए रोज इतनी शाही लाते थे, इतने सारी दैनिक पत्रिका को छापते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम जैसे जीवों के मंगल के लिए क्या किया, ये मठ मंदिर बनाए और इसमें क्या किया, राधा कृष्ण की सेवा की उन्होंने शिक्षा दी। और उनके जो मुख्य उपदेश में एक उपदेश मुख्य जो बता रहे थे महाराज जी सब लोग, हरि नाम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन, हरि नाम ही एकमात्र मंगल का साधन है, हरि नाम। और क्या करें, उन्होंने कहा कभी प्लेटफॉर्म स्पीकर नहीं बनना, प्रचार करना है, करें प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, जब तक हृदय में प्राण रहेंगे तब तक हमें महाप्रभु की वाणी का, गुरुदेव की वाणी का प्रचार करना है, परंतु कभी प्लेटफॉर्म स्पीकर नहीं बनना। कैसे, रिकॉर्डिंग की, सुना और बोल दिया, बोले नहीं, पहले पहले सुनो, फिर उसको जीवन में प्रार्थना करो गुरुवर्ग से अपनाने की, फिर उसको अपनाओ, जो अपनाओ तब बोलोगे तो वो प्रभाव करेगी। इसलिए 100 करोड़ हरिनाम किया प्रभुपाद ने, कितना किया 100 करोड़, अब कितना उपदेश दिया हरिनाम करने के लिए, 1 लाख हरिनाम रोज, ये नहीं कहा कि 100 करोड़ हरिनाम करो, हम जैसे मेरे जैसे व्यक्ति क्या 100 माला जप करेंगे और लोग उपदेश देंगे 1 लाख जप करना चाहिए, कभी प्रभाव होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। मैं खुद माया में डूबा हुआ हूँ और लोगों को माया से नहीं हटा सकता, इसलिए पहले प्रभुपाद जी की कृपा को ग्रहण करो। प्रभुपाद जी ने कहा क्या करो, स्वयं 100 करोड़ हरिनाम किया, और जब प्रभुपाद जी अंतिम समय शरीर छोड़ने जा रहे थे, गोलोक जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे सभी शिष्य लोगों को बुलाया और वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने कहा मैंने आप लोगों के लिए बहुत कड़े कड़े उपदेश दिए, परंतु कुछ लोग उसको समझ पाए और कुछ लोग उनको नहीं समझ पाए। जैसे एक वैद्य होता है और वैद्य जब कड़ी कड़ी दवाई देता है तो रोगी से समझ नहीं पाता क्यों दे रहा है, पर जब रोगी का रोग ठीक हो जाता है तब वो समझ पाता है वैद्य के कितनी कृपा की वैद्य ने मेरी, फिर मेरे लिए रोता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक दिन तुम लोग समझ पाओगे मैंने तुम्हें उपदेश दिया कितने मंगलकारी था। और प्रभुपाद जी कहते थे आप लोग मेरे को क्षमा करना, परंतु आप लोग क्या करना, रूप रघुनाथ की वाणी को कभी भूलना मत। जो रूप रघुनाथ की वाणी है, राधा कृष्ण की सेवा की भावना है, जो हरिनाम संकीर्तन, कभी भी नहीं भूलना। लाख लाख विघ्न बाधाएं आए, लाख लाख आप पे लांछना लगे, लाख लाख आप पे अनर्थ आ जाए, कभी भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि एकमात्र भगवान का भजन, भगवान का नाम ही मंगल कर सकता है। इसलिए भगवान का नाम किसी भी अवस्था में मत छोड़ना, ये उनका मुख्य मुख्य उपदेश है। और उन्होंने कहा कि जब अंतिम समय वो जा रहे थे कि उन्होंने कहा तुआ कैन तुआ हरि नाम के एक कीर्तन करने के लिए बोला, दो कीर्तन करने के लिए बोले, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद और एक तुआ हरि नाम, हरि नाम तुआ अनेक नहीं, तुआ दया सागर तारीति प्राणी नाम अनेक सिकावलियानी, इस जो कीर्तन को करने के लिए बोला। और इसमें जो एक कीर्तन में लास्ट की लाइन आती है कि मंद भाग हमारा हे नाम चिंतामणि, आप कितने कृपालु हैं कि जगत में नाम के रूप में आए और कोई भी नियम नहीं रखा, कोई भी नियम नहीं रखा, कोई वृद्ध करे बूढ़ा करे जवान करे बच्चा करे किसी अवस्था में करे, और सारी शक्ति आपने नाम में रख दी, परंतु मंद भाग हमारा, हम कितने अभागे कितना मंद भागे, हमारे नाम में रुचि नहीं। कृपा जी उस समय अपने माथे को ऐसे पकड़ लिया उन्होंने ऐसे, और पकड़ के कौन कह रहे 100 करोड़ हरिनाम करने वाले और रात दिन नाम करने वाले, कहते मेरी नाम में रुचि नहीं हुई। कौन बोले, कृपा जी, जिसके अंदर जितनी दीनता है वो अपने को उतना ही मानेगा, मेरे अंदर भक्ति नहीं है। इसलिए कृपा जी कभी भी किसी की शिकायत, कोई भी शिकायत लेके जाए ना उसको ही डांट लगा देते, कोई भी कृपा जी का शिकायत लेके नहीं जा सकता। इसलिए उनका एक और उपदेश है, प्रस्वभाव की निंदा नहीं करना चाहिए, आत्म संशोधन करना, यही मेरा उपदेश है। जो भी शिकायत लेके जाए ना, कभी कोई व्यक्ति शिकायत लेके गया हमारे
महाराज जी के पास, प्रभुपाद जी के पास, बोले प्रभुपाद ये लोग तो भजन ही नहीं करते, इन्होंने भजन अपना कम कर दिया, भजन छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी कहते कि जिस तुम्हारे पास इतना समय मिल गया कि उसके पास जाके पूरा जज करने का 24 घंटे क्या कर रहे हैं, तुम इसी को देखते रहते क्या कर रहे हैं, कब भजन कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम्हारा भजन नहीं हो रहा, तुम्हारा भजन नहीं हो रहा, उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो लोग इसी देखने में लगते हैं उसका स्वयं का भजन नहीं हो रहा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे क्या करो, अपना ही भजन करना चाहिए और अपना ही अपने को सुधार लो, बहुत जीवन में तरक्की कर लीजिए, जो बता रहे थे ना भक्त लोग। इसलिए प्रभुपाद जी का एक मुख्य उपदेश है और बहुत सारे उपदेश है, कह रहे कितना भी नाम करते करते मन ना लगे कोई बात नहीं, संसार की कामनाएं कोई बात नहीं, कभी भी नाम के ऊपर अश्रद्धा नहीं करना, नाम को छोड़ना नहीं, नाम की कृपा से एक दिन क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा, मंगल होगा, सारे अनर्थ दूर होंगे और नाम चिंता मणि जो भगवान नाम है वो अपना स्वरूप को उदय कराएंगे और मंगल देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के बहुत सारे उपदेश हैं। आज प्रभुपाद जी की त्रिभाव तिथि है, इस तिथि में महाराज जी ने तो कहा कि हमारे द्विज प्रभु और हमारे संजीत प्रभु, अनुपम प्रभु और बहुत सारी माताएं कल से तैयारी 2-3 दिन से लगे हुए हैं, ये देखो पूरे 8 घंटे में बड़ा मेहनत इसमें की लग रहा है, 8 घंटे में क्या हुआ, फूल नहीं फ्रेम को बनाने में बड़ी मेहनत की। और रसोई में देखोगे आप 4 बजे से मठ में जो आएंगे चहल पहल, इतनी चहल पहल हो रही है, पूरी रात सोए नहीं, तो प्रभुपाद जी इन पर कृपा करेंगे नहीं, प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर नहीं भी बैठे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका मंगल हो, वो सबके मंगल के लिए आए, सब पे दया करने के लिए आए, जो इनकी सेवा करेंगे तो नहीं परंतु जो इनकी सेवा करेंगे उनके प्रति तो विशेष अपने आप ही भगवान सब पे दया करते हैं, वो निरपेक्ष है, परंतु जो इनकी सेवा करते हैं उनके प्रति विशेष वो दया करते हैं। आज प्रभुपाद की तिथि पे जिस व्यक्ति एक व्यक्ति ने भी थोड़ा फूल भी लगाया, थोड़ा फल भी लाया, थोड़ा सब्जी चावल या खीर कोई भी लाया, मैं उनके चरणों में बड़ा ऋणी हूँ। और कथा सुनने के लिए भी जो इतनी सर्दी में बार बार सर्दी हो रही है और सर्दी में आप लोग कृपा जी के विषय में सुनने के लिए आए, तो आप लोगों का भी विशेष विशेष धन्यवाद है। ऐसे ही उनके आश्रित जन हमारे गुरु पादपद का 20 तारीख को तिथि है, उनका भी त्रोभाव तिथि है, और नित्य लीला विष्ण भक्ति वेदन बामन गुस्से महाराज जी उनकी भी आविर्भाव तिथि है, बहुत बड़ी तिथि है। और मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग 20 तारीख को भी महाराज भी आएंगे, प्रोग्राम 4 बजे से स्टार्ट होगा शाम का, क्योंकि ऑफिस का दिन है और महाराज जी सुबह भागवत चलेगी, तो आप सभी लोगों से प्रार्थना उस तिथि में भी आना 20 तारीख में, और सब लोगों को लेके आना, ये सबसे बड़ी दया है। जीवों का मंगल करना क्या है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, इससे बड़ी दया कोई नहीं है। रूपाल जी भी इसी चीज को कहते हैं, खुश हो जाते हैं जो भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं। इसलिए आप सब महाराज की भागवत है, अभी महाराज जी को तुरंत जाना घाघर कथा करनी है। हमारे अभी अतुल प्रभु जी आए हैं, थोड़ा सा ये भी कथा सुनाएंगे, अपना ऑफिस से टाइम निकाल के आए हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। एक ये हमारा ही मंगल होता है इसमें। ओम अज्ञान्त विरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। वैसे तो बहुत देर से कथा चल रही है तो आप सब लोगों ने सुन ही लिया है जो है प्रभुपाद के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, और अभी बहुत सुंदर तरीके से जी प्रभु जी ने भी उसको सार रूप में समझाने की कोशिश करी। मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, फिर भी जो गुरु वर्गों से सुना है या जो यहाँ हो चुका है उसी को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। महाप्रभु की जीवों पर सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने प्रभुपाद को इस धरा धाम पे भेजा, क्योंकि प्रभुपाद की वजह से ही आज जितना भी हरिनाम हो रहा है, जो ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जितना प्रकाश है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा हमेशा थी लेकिन जितना जो प्रकाश है आज इस धरती पर, उसमें बहुत से ज़्यादा जो है वो प्रभुपाद की वजह से है, और जिस रूप में आज हम देख रहे हैं वो भी आज प्रभुपाद की वजह से ही है। प्रभुपाद के आविर्भाव तिरुभाव के बारे में सब बताई होगी, लेकिन जो मुझे 2-3 बातें उनके जीवन से जो अच्छी लगती हैं, जो बहुत ही मुझे प्रिय हैं,
एक तो है गुरु निष्ठा, दूसरा गुरु शिष्य परंपरा, और तीसरा कैसे जो ये माया की चीज है वो भगवान की सेवा में लगाया जाए। एक एक सेंटेंस में मैं अपना विचार रखना चाहूँगा कि उन्होंने महाप्रभु को पाने के लिए कैसे गुरु निष्ठा होनी चाहिए, वो उन्होंने केवल गुरु ग्रहण करने के बाद ही नहीं, गुरु ग्रहण करने से पहले भी करके दिखाई। जब वो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज को गुरु ग्रहण करना चाहते थे तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज उनको वो गुरु नहीं बनना चाहते थे, और उन्होंने बिल्कुल खाना पीना त्याग दिया कि गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। और फिर जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहने पर उन्होंने गौरकिशोरदास बाबा जी ने महाराज जी ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो ये उदाहरण है कि बिल्कुल एक निष्ठ होके, कि उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा पहले, जैसे सभी लोग करते हैं गुरु बनाने से पहले, और उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि हाँ यही मेरे गुरु जी बनेंगे, तो उसके लिए फिर जो चाहिए जैसे गुरु जी प्रसन्न होंगे वो हर काम करने के लिए वो तैयार थे। तो गुरु निष्ठा कैसी करनी चाहिए वो उनके आचरण से समझ सकते हैं। और दूसरा कैसे गुरु और शिष्य होने चाहिए, जैसे वृक्ष में पुष्प की और फल की बहुत महिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी सुगंध पुष्प में पुष्प फैला सकता है या जितना स्वाद फल दे सकता है उतना कुछ नहीं दे सकता, परंतु पुष्प और फल की महिमा भी तब है जब जड़ मजबूत है। तो प्रभुपाद वही जड़ है, और उस जड़ से इतने सुंदर सुंदर हमारे गुरुवर जो है, जो पुष्प और फल के रूप में पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी या भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, अन्य अन्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, इतने सुंदर सुंदर गुरुवर जो हैं वो उनके साथ रहे और वही उन्होंने सीखा जो प्रभुपाद ने किया, और वही फिर हम सब लोगों को जगत में सिखाया उसी गुरु परंपरा को। तो ये उन्होंने इसको कहते हैं जैसे डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन इस तरीके से करना कि जो वाणी गुरुओं की उन्होंने सुनी वही आगे दी और वही गुरुवर्गों ने फिर हमें आगे सिखाई। तो ये प्रभुपाद की ही देन है जिसकी वजह से हम आज इस गुरुवर्ग की वाणी को सुन पाते हैं और उसको निभाने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा कैसे उन्होंने, उनका विश्वास था कि जो भी चीज जगत की है उसको अपना मत मानना, लेकिन जो भी है उसको हर एक को सेवा में लगा देना, ना कुछ छोड़ना ना कुछ जोड़ना। ठीक है, जोड़ना तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा के, जैसे उस जमाने में हरिनाम ज्यादा होता था, लेकिन उन्होंने फिर प्रिंटिंग प्रेस शुरू करवाई, तो प्रिंटिंग प्रेस से ताकि अखबार निकल सके, पत्रिका निकल सके। तो कोई सोच सकता है कि साधु संन्यासी को ये सब करने की क्या जरूरत है प्रिंटिंग प्रेस और ये सब करने की, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, किसी तरीके से जो महाप्रभु की वाणी है, जो हरिनाम है, वो सब लोगों तक पहुंचे। और ये आज उसी का परिणाम है, कितने विशाल रूप में आज हम हर जगह देखते हैं, हर शहर में गौरवाणी का प्रचार हो रहा है या हरिनाम जो हो पा रहा है। तो ये प्रभुपाद की कृपा के कारण ही है कि उस समय उन्होंने ऐसा किया और जिसका परिणाम हम आज उठा पा रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, जो भूल चुके हैं क्षमा करें, पाँच छः कल करेंगे। अभी ठाकुर जी की आरती होगी, प्रभुपाद की आरती, सब लोग पुष्पांजलि देना, आरती तैयारी वहां पर कौन कर, अनुपम करेगा, अनुपम प्रभुपाद जी की आरती होगी, अनुपम है, अनुपम अब आरती करो प्रभुपाद, आज सब लोग हाथ में फूल दे दो, सबका हाथ में फूल दे दो, अब प्रभुपाद की आरती होगी। सबको खुल दे दो, सबको
बोल दे दिया सबको सबके पीछे दो Thank you.